हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस लेक्चर में हम लोग जुलाई 2019 के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और एक ही वीडियो में हम लोग पूरे जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको कहीं से भी जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। और हम लोग ये जितनी भी न्यूज़ हैं यहाँ पर कवर करेंगे वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऑफिशियल मंथली मैगजीन से कवर करने वाले हैं। और आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहां पर सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक वाइज हम लोग न्यूज को कवर करेंगे। जैसे कि सेक्शन ए में प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे टॉपिक टू टॉपिक वाइज, फिर हम लोग सेक्शन बी में मेंस के करंट अफेयर्स को जनरल स्टडीज पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री को कैटेगराइज करते हुए टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए फिर सेक्शन ए प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पिलर है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। तो पहली न्यूज में बात हो रही है, बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे नागालैंड को सेंटर ने डिक्लेयर कर दिया है एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया अगले 6 महीनों के लिए। और ये डिस्टर्ब्ड एरिया हम लोग को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत देखने को मिलता है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को पावर दी जाती है कि डिस्टर्ब्ड एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, राइट? तो पूरे के पूरे नागालैंड स्टेट को अगले 6 महीनों के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया है सेंटर ने। थोड़ा सा गाइस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में भी पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल कानून भी हम लोग को देखने को मिलता है। कई सारे क्रिटिक्स के द्वारा कहा जाता है कि इस कानून को जो है वो हटा दिया जाए, राइट? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो न्यूज आ रही है वो है कौशल युवा संवाद के बारे में। तो कौशल युवा संवाद एक यूथ डायलॉग हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? बट ये इसके थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो जैसे कि ये कब लॉन्च हुआ, तो गाइस 15 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ। ये चौथी एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिली स्किल इंडिया मिशन की। और स्किल इंडिया मिशन आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर, जहां पर कौशल युवा संवाद को लॉन्च किया गया, राइट? और 15 जुलाई एक और चीज आप याद रखिएगा, इस 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हम लोग को देखने को मिलता है। और कौशल युवा संवाद की बात करें तो इसका मेजर मकसद यह है कि सभी स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स में युवाओं के बीच में एक ओपन डायलॉग कराया जाए, या फिर मैं बोलूं एक छोटी सी मीटिंग कराई जाए, जहां पर जो हमारे यूथ हैं वो बताएं, अपने व्यूज दें, रिकमेंडेशंस दें कि कैसे स्किल को जो है वो और बेटर तरीके से डेवलप करने किया जाए, या फिर कैसे कौन से प्रोग्राम्स लाए जाएं जिससे कि इंडिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट में एनहांसमेंट हम लोग को देखने को मिले। समझ रहे बातों को? तो ये है कौशल युवा संवाद। दीदी के बोलो कैंपेन, तो गाइस ये लॉन्च हुआ है वेस्ट बंगाल में, नाम से ही समझ आ रहा है दीदी के बोलो, थोड़ा भाषा से, लैंग्वेज से, राइट? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि सिटीजन पार्टिसिपेशन को जो है वो इंप्रूव करना, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हुए। इसमें हर एक सिटीजन जो है गाइस वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने ग्रेवियंसेस के बारे में यानी कि अपनी शिकायतों के बारे में बता सकते हैं, राइट? और कोई उनको अगर रिकमेंडेशन देना है वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट के लिए तो वो भी यहां पर इस हेल्पलाइन पे कॉल करके या फिर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कॉन्टैक्ट करके जो है वो बता सकते हैं। दोस्तों अब इस न्यूज की बात करें तो पाटा गोल्ड अवार्ड्स 2019 जो है, पाटा यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड्स 2019, तो ये अवार्ड जो है वो मिला है इनक्रेडिबल इंडिया फाइंड द इनक्रेडिबल यू कैंपेन को, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2018-19 में ग्लोबल लेवल पर रिलीज किया था, लॉन्च किया था। तो मार्केटिंग प्राइमरी गवर्नमेंट डेस्टिनेशन कैटेगरी के लिए इनक्रेडिबल इंडिया को पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन की बात करें गाइस, तो इस कैंपेन का मेजर फोकस है कि एक्सटर्नल एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इंटरनल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलर्स में जो है वो शिफ्ट करना, यानी कि जो फोकस, मेजर फोकस जो होता है एक्सटर्नल एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, उसको इंटरनल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलर में जो है वो शिफ्ट करना, यानी कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इतना बेटर बनाना है कि जो ट्रैवलर होगा, जो पर्टिकुलर टूरिस्ट जो होगा, उसको हर एक एमिनिटी, हर एक फैसिलिटी उस डेस्टिनेशन में मिल सके। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म को एडवांस करने के लिए ये इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। और सेकेंडली इस कैंपेन का मेजर मकसद ये भी था कि इंडिया के अंदर हर एक डेस्टिनेशन को इतना बेटर तरीके से जो है वो एडवांस कर देना है, जिससे कि कोई भी ट्रैवलर जब यहाँ पर आकर विजिट करे बाहर से, तो उसको हर एक एमिनिटी, हर एक फैसिलिटी जो है वो मिल सके पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। अब पाटा अवार्ड की बात करें, इसका फाउंडेशन हुआ था 1951 में। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन बेसिकली एक तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेजर मकसद ये है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना, स्ट्रेंथन करना। और पाटा गोल्ड अवार्ड्स उन पर्टिकुलर टूरिज्म इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को दिया जाता है जो लोग
ट्रैवल इंडस्ट्री को या टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए अपना आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो देते हैं, राइट तो ये वाली चीज याद रखिएगा। अब बात हो रही है ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के बारे में, तो महाराष्ट्र इंडिया की पहली स्टेट बन गई है जिसने ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AMBIS एम्बिस को अडॉप्ट कर लिया है। इस एम्बिस इस बेसिकली सिस्टम के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा कि क्रिमिनल का डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया जाएगा, जहां पर एक कोई भी कैदी होता है किसी भी जुर्म में जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसका जैसे कि फोटो खींची जाती है, उसकी बेसिक डिटेल्स ली जाती है, साथ ही साथ अब बताया जा रहा है कि इसमें आयरिस और फेस बायोमेट्रिक्स भी लिया जाएगा, उसकी रेटिना का स्कैन किया जाएगा, आयरिस स्कैन होगा उसका और फेस बायोमेट्रिक यानी कि उसके फेस को भी स्कैन किया जाएगा, राइट जिससे कि इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जा सके, राइट और इस प्रकार का एक बेटर डेटाबेस जो है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं और कई बार ऐसे गंभीर अपराधी जो होते हैं वो क्या करते हैं गाइस, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर सेटल हो जाते हैं, राइट और मतलब यानी कुछ समय तक पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है और एक पुलिस अपने स्टेट के दायरे में रहती है और जब कोई क्रिमिनल दूसरी स्टेट में चले जाता है तो उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पुलिस ऑफिशियल्स के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए दूसरे स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ। तो अब इसमें क्या हुआ, इस डेटाबेस के थ्रू ये जो सिस्टम जो बनाया है ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसमें जिस भी कैदी का डेटाबेस होगा वो आपस में स्टेट के अमंग शेयर किया जा सकेगा, जिससे कि अगर कोई कैदी दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके उस पर्टिकुलर स्टेट की अथॉरिटीज ऑफिशियल्स के द्वारा, समझ रहे हो बातों को, तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। अब गांधीयन यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन या फिर गीति अवार्ड के बारे में यहां पर बात हो रही है, तो हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने गीति अवार्ड 2019 जो है वो दिया है। अब इस नाम से ही समझ में आ रहा है यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तो इसमें जो भी इंडिविजुअल जो भी स्टूडेंट जो है वो इनोवेटिव या फिर क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आते हैं अपने आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट के थ्रू, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और सृष्टि जो है यानी कि सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये सेलिब्रेट करती है इस पर्टिकुलर गीति अवार्ड को और ये रिकॉग्नाइज करती है ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो है वो लेकर आते हैं मासेस के लिए, राइट और ये इनोवेशन को जो है वो प्रमोट करता है ये अवार्ड, और ये इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन जैसी फील्ड में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। कारगिल विजय दिवस की बात हो रही है, जुलाई 26, 1999 ये दिन था गाइस, 26 जुलाई 1999 का, जिस समय ऑपरेशन विजय जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया था। इस समय क्या हुआ था कि पाकिस्तानी सोल्जर्स और कश्मीरी मिलिटेंट्स जो हैं ये कारगिल की तरफ आ गए थे, यानी कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC की जो बॉर्डर है उसके पार जो है वो हो गए थे, यानी कि कई सारे कश्मीरी मिलिटेंट्स और पाकिस्तानी सोल्जर्स, और ये पाकिस्तानी सोल्जर्स जो ये थे ये सिविल ड्रेस में थे, राइट यानी कि ये अपनी आर्मी की ड्रेस में नहीं थे, तो इनको इंडिया ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करके इनको आइडेंटिफाई किया और इनको इस एरिया से भगाया, राइट तो ये कारगिल विजय दिवस के नाम से ये दिवस जो है वो जाना जाता है। इंडिया के पहले लाइटेस्ट और इंडिजीनियसली मेड बुलेट प्रूफ जैकेट की अब यहाँ पर बात हो रही है, जिसका नाम है भाभा कवच नाम याद रखिएगा इसको, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और मिधानी के द्वारा बनाया गया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लाइटेस्ट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है, मात्र इसका वेट 9.2 किलोग्राम का है, 360 डिग्री प्रोटेक्शन ऑफर करता है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि AK-47 से निकली हुई बुलेट्स को भी ये झेल जाता है। 7.62 mm की बुलेट्स और 7.65 mm की जो बुलेट्स हैं उन तक को ये झेल सकता है, तो काफ़ी स्ट्रांगेस्ट ये भाभा कवच जो है बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इन्फोसिस ने साइबर डिफेंस सेंटर रोमानिया में ओपन किया है, रोमानिया के बुचारेस्ट में एक साइबर डिफेंस सेंटर इन्फोसिस ने जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये साइबर डिफेंस सेंटर का काम क्या होगा, तो ये एंड टू एंड रियल टाइम 24/7 साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन सर्विसेज ऑफर करेगा यूरोपियन को और पूरी दुनिया भर में बिजनेसेस या फिर कंपनीज को, राइट जैसे कि कंपनीज वगैरह होती हैं वो अपना इंपॉर्टेंट हाईली सिक्योर डेटा जो है वो ट्रांसफर करती हैं, राइट या फिर बहुत ही ज़्यादा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा जब कोई कंपनी ट्रांसफर करती है एक पर्टिकुलर कंपनी से दूसरी कंट्री कंपनी के पास, या फिर आपस में कंट्रीज जो हैं वो अपना डेटा वगैरह ट्रांसफर करती हैं, तो उन डेटा को सिक्योरिटी ऑफर करने की आवश्यकता होती है, तो वही सिक्योरिटी इन्फोसिस जो है वो ऑफर करेगा यूरोपियन नेशंस में, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए और काफ़ी सारे अलग अलग कंपनीज के लिए, राइट तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है।
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये दिन जो है वो जुलाई 11 को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड और पॉपुलेशन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जाती हैं, तो बस जुलाई 11 जो है वो याद रखिएगा, 11th जुलाई। गाफा टैक्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो गाफा टैक्स क्या है? तो गाइज ये एक लेजिस्लेशन है, यानी कि एक कानून है, राइट, जिसका एक्रोनिम है गूगल एप्पल फेसबुक और अमेजोन। गाफा, जी यानी कि गूगल, ए यानी कि एप्पल, एफ यानी कि फेसबुक, ए अगेन यानी कि अमेजोन, राइट। तो फ्रांस पार्लियामेंट ने रिसेंटली इस कानून को जो है वो पास करा दिया है, यानी कि एक बिल को पास कराया था, अब ये बिल जो है वो कानून बन गया है और फ्रांस पहली कंट्री बन गई है जिसने इस प्रकार का टैक्स लेकर आई है डिजिटल जायंट्स के लिए, यानी कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, राइट। तो देखो गाइस होता क्या है कि ये कंपनी जो है वो किसी और देश में जो है वो एस्टैब्लिश्ड है, और जिस देश में ये कंपनी एस्टैब्लिश होंगी, जैसे अमेजोन की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स में ये एस्टैब्लिश्ड है। अब यूनाइटेड स्टेट्स में जो अमेजोन है गाइस, तो ये अमेजोन अपना इनकम टैक्स यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को देगी, बट ये अमेजोन कंपनी जो है वो पूरे दुनिया भर में अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। जैसे कि अमेजोन की सर्विसेज हम लोग जानते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा चलती है, हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो अमेजोन से कोई ना कोई प्रोडक्ट कभी ना कभी उसने ऑर्डर किया ही होगा, राइट। आपके फ्रेंड्स कलीग में आपने देखा हो किसी ने अमेजोन से ऑर्डर किया है, किसी ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। जैसे ही हम लोग बात करें फ्लिपकार्ट की भी, तो फ्लिपकार्ट, हालांकि इसमें फ्लिपकार्ट का नाम मौजूद नहीं है गाफा में, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है वो लिमिटेड एरियाज पे अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। जैसे कि इंडिया की ही कंपनी है फ्लिपकार्ट, इंडिया के जो सिटीजन है उसके द्वारा बनाई गई ये फ्लिपकार्ट कंपनी है, बट ये फ्लिपकार्ट कंपनी रजिस्टर्ड है सिंगापुर में, राइट। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े जायंट्स ये क्या कर रहे हैं, पूरे दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज को अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, बट उन कंट्रीज को टैक्सेस का फायदा नहीं मिल पा रहा है, राइट। क्योंकि जैसे कि इंडिया के अंदर अमेजोन अगर अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही है अमेजोन की, बट ये इनकम टैक्स जो है वो प्रोवाइड कराती है यूनाइटेड स्टेट्स में, ना कि इंडिया में। तो यहां पर फ्रांस ने क्या कर दिया गाइस, कि फ्रांस ने हम लोग को देखने को मिला एक गाफा टैक्स लेकर आई, जिसमें कि अब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने टोटल एनुअल रेवेन्यू का 3% एज अ टैक्स जो है वो फ्रांस को देना पड़ेगा, राइट। यानी कि जो भी ये कंपनी जो है, इस कंपनी ने जितने भी फ्रेंच कंज्यूमर्स को अपने सर्विसेज ऑफर करी हैं, राइट, तो वो सर्विसेज ऑफर करने में जितना भी उन्होंने कमाया होगा, तो उसका टोटल रेवेन्यू का 3% इनको अब फ्रांस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, समझ रहे हो बातों को। तो ये इस प्रकार की चीज़ें लाई गई हैं, और इसी पर जो है वो और भी काफ़ी सारी कंट्रीज जो है वो बात कर रही हैं, विचार कर रही हैं कि इस प्रकार की चीज़ें लानी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया हो गया और या ई कॉमर्स कंपनीज वगैरह हो गई, ये क्या कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा कमा रही हैं, ऐसी कंट्री से कमा रही हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा यूज़र बेस मिल रहा है, बट उस कंट्री को ये टैक्स नहीं दे रही हैं, राइट, अपनी होम कंट्री को ये टैक्स दे रही हैं जहाँ पर ये बिजनेस इनका एस्टैब्लिश्ड है, समझ रहे हो बातों को। तो ये वाली चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली गाफा टैक्स की, ये चीज़ याद रखिएगा थोड़ा सा आप इसके बारे में। अब नेक्स्ट पिलर आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का। अब कार्ची पूजा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, हिंदू फेस्टिवल ये त्रिपुरा का हम लोग को देखने को मिल रहा है। हर साल कार्ची पूजा जो है वो त्रिपुरा में मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। ये फेस्टिवल के अंदर 14 देवी और देवताओं हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि शिव जी, दुर्गा माता, विष्णु जी, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा जी और गॉड ऑफ वाटर अवधि और चंद्रा, गंगा, अग्नि, कामदेव, हिमाद्री यानी कि हिमालय। तो ये 14 देवी और देवताओं की पूजा की जाती है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में, त्रिपुरा का ये फेस्टिवल है, नाम रखिएगा कार्ची पूजा, राइट। और इसकी थीम जो है इस साल की वो बताई जा रही है नशा मुक्त त्रिपुरा और एंड सेव वाटर। बात करें जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल के बारे में, तो देखो गाइस भगवान जगन्नाथ जी जो है उनको ये फेस्टिवल डेडिकेट किया जाता है, यानी कि कृष्ण जी को और उनकी जो बहन है माता सुभद्रा और उनके जो बड़े भाई हैं बलराम जी, तो ये तीनों देवताओं का, देवी और देवताओं का एक रथ निकलता है ओडिशा के पुरी में, राइट। तो पुरी में ये एक जगन्नाथ टेंपल हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहाँ से ये रथ निकलता है तीनों देवी और देवताओं का और गुंडीचा टेंपल तक ये जाता है, और कहा जाता है कि भगवान इस दिन अपने बर्थ प्लेस पर जो है वो जाकर विजिट करते हैं, यानी कि तीनों जो देवी देवता हैं और वो यहाँ पर विजिट करते हैं, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है इंडिया का। तो याद रखिएगा जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात हो रही है, तो राजस्थान की जयपुर जो कि पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, फेमस है, ये 30th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है इंडिया की। इंडिया को मिल गई है इसकी 30th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि जयपुर है। इंडिया के पास टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड साइट हम लोग को देखने को मिल रही है। अब बात करें केरला चैंपियंस बोट लीग के बारे में, तो चैंपियंस बोट लीग जो है गाइस, जैसे कि आईपीएल होता है क्रिकेट का, 2020 हम लोग देखते हैं आईपीएल,
तो गाइस उसी मॉडल के ऊपर बेस्ड एक चैंपियंस बोट लीग जो है वो चालू करने की बात की जा रही है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर स्नेक बोट रेस अब हम लोग को देखने को मिलेगी। और केरला की ये फेमस स्नेक बोट रेस है जिसका नाम है वल्लम कल्ली। तो मेन चीज आपसे पूछी जा सकती है कि वल्लम कल्ली क्या है, तो केरला की फेमस स्नेक बोट रेस है ये, जिसको वर्ल्ड क्लास बनाने की बात की जा रही है, जैसे ये IPL है उसी के मॉडल के ऊपर। और गाइस इस स्नेक बोट की बात करें या फिर स्नेक बोट रेस वल्लम कल्ली की बात करें तो इसका ओरिजिन 13वीं सेंचुरी से बताया जाता है और इवन वेदास में भी इसका वर्णन है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो इन बोट से लड़ाइयाँ लड़े करते थे। जैसे कि आप देखते होंगे जब पहले के समय पर जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो हाथियों पर घोड़ों पर लड़ी जाती थी, वैसे ही यहाँ पर ये वल्लम कल्ली जो केरला की स्नेक बोट रेस है यहाँ पर लड़ाई जो है वो इस वल्लम कल्ली बोट रेस के थ्रू की जाती है, यानी कि इस बोट के ऊपर की जाती थी लड़ाइयाँ। आपस में दोनों जो किंग है उनकी आर्मीज आती थी इन बोट में और फिर वो वॉर रेस करती थी। समझ रहे हो बातों को? तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा इसके बारे में। अब मार्कंडेश्वर टेम्पल की बात करें तो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है मार्कंडेश्वर टेम्पल महाराष्ट्र में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका रिस्टोरेशन जो है वो किया जा रहा है, यानी कि इसकी मरम्मत वगैरह की जा रही है, दोबारा से इसको रिस्टोर किया जा रहा है जो ये टूट ताड़ गया था। और इसको खजुराहो ऑफ विदर्भा के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है खजुराहो ऑफ विदर्भा कौन सा टेम्पल है, तो मार्कंडेश्वर टेम्पल है ये, राइट, टेम्पल ऑफ मार्कंडेव या मार्कंदेव। और ये वैनगंगा नदी जो है गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र की वहाँ पर ही ये सिचुएटेड है। और जो आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में कि जो टेम्पल्स के दो स्टाइल फेमस दो स्टाइल्स हैं हमारे यहाँ इंडिया में, एक नागर स्टाइल और दूसरा द्रविड़ स्टाइल, तो ये नागर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो कि नॉर्थ इंडिया के फेमस टेम्पल्स होते हैं तो उन्हीं की तरह इसका आर्किटेक्चर है नागर स्टाइल की तरह, राइट। और ये टेम्पल जो है वो बना था 9th से लेकर 12वीं सेंचुरी के बीच में, और ये टेम्पल शिव जी वैष्णव और शक्ता फेथ के लिए बिलोंग करता है। अब बात करें श्वाला तेज सिंह टेम्पल के बारे में, तो 1000 साल पुराना ये टेम्पल है गाइज, याद रखिएगा। और ये पाकिस्तान के सियालकोट सिटी में जो है वो मौजूद है और 72 साल से इस पर ताला लगाया हुआ था, यानी कि किसी को भी इस टेम्पल के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। अब बताया जा रहा है कि 72 साल के बाद और पहली बार पार्टीशन के बाद ये टेम्पल ओपन किया जा रहा है हिंदू डिवोटीज के लिए, राइट, श्रद्धालुओं के लिए। और एंशियंट हिंदू टेम्पल है ये, भगवान शिव जी को डेडिकेट किया गया है और इसको बनाया था सरदार तेज सिंह जी के द्वारा, इसीलिए इसका नाम भी हम लोग को देखने को मिल रहा है श्वाला तेज सिंह के नाम से ही रखा गया है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की बात करें तो गाइस PC महलानोबिस के नाम बारे में आपने सुना होगा या महलानोबिस मॉडल आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो गाइस ये प्रसन्नता चंद्र महलानोबिस जी जो है उन्हीं की याद में जो है ये इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। उनके जो कारनामे थे स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिकल सिस्टम में और इकोनॉमिक प्लानिंग में, उसको याद करते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2007 में 29 जून को एज अ स्टैटिस्टिक्स डे की तरह डिक्लेयर कर दिया। अब 29 जून को एज अ स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, राइट। और याद किया जाता है PC महलानोबिस को और महलानोबिस मॉडल के बारे में भी आप जानते होंगे। और इसकी थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कीपिंग इन व्यू इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनको 2030 तक जो है वो अचीव करना है, और ये बोला जा रहा है कि ये गोल सही तरीके से हम लोग इस गोल को अचीव कर पाने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसको स्टैटिस्टिक की से जो है वो समझा जाएगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स डे के दिन ये थीम जो है वो इस प्रकार की रखी गई कि जो भी, यानी कि हम लोग जो गोल को अचीव करना चाह रहे हैं क्या हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो उसको जो है वो कैलकुलेशन के थ्रू प्रॉपर स्टैटिस्टिक के थ्रू जो है वो जाना जा सकता है। अब इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो रही है यहाँ पर, नेक्स्ट पिलर हमारा। अब रिपब्लिक ऑफ बेनिन की बात हो रही है। अब देखो गाइस बेनिन, ये कंट्री के लोकेशन देखो आप, नाइजीरिया आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाजू में देखो आप बेनिन है, उसके बाजू में टोगो, फिर घना हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके ऊपर नाइजर है, फिर बुर्किना फासो। तो ये इस प्रकार से आप मैप में थोड़ा देखा करो। तो इंडिया ने ऑफर किया है $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट बेनिन को कि बेनिन के अंदर जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए, राइट। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, 100 मिलियन हमने इसको दिया, बट हालांकि आपके लिए मेन चीज़ ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है ये मैप, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं। अब ब्लाइट ऑफ बेनिन है ये कहाँ पर है ये पूछ लिया जा सकता है आपसे, और आसपास की कौन सी कंट्री के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पिलर आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। राजस्थान के हाईकोर्ट के जज जो है गाइस वो नहीं चाहते कि उनको माई लॉर्ड से सम्मानित यानी कि बोला जाए, राइट। तो आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि माई लॉर्ड, यानी कि जब वकालतनामा के जो कोई सीन वगैरह आता है तो उसमें बोलते हैं कि माय लॉर्ड ये गलत है,
बट नहीं, राजस्थान के हाईकोर्ट के जज ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस है ये ब्रिटिश रूल से ली गई है, कॉलोनियल पीरियड के दौरान से ली गई है, तो इसलिए माई लॉर्ड जो है वो गलत है कहना, राइट या फिर योर लॉर्डशिप वगैरह, तो इससे सम्मानित ना किया जाए जजेस को, तो इसलिए राजस्थान के जजेस ने जो है वो ये बोला है कि उनको माई लॉर्ड करके कोई ना बोले, ठीक है। ऑपरेशन थ्रस्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया ये ऑपरेशन थ्रस्ट है, और इसका मेजर फोकस ये है कि जितने भी अनऑथराइज्ड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर हैं जो कि स्टेशंस वगैरह में बिकते हैं, तो उनको रोका जाए, उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया जाए। आपने देखा होगा खुला पानी बिकता है या फिर अनऑथराइज्ड बॉटल से लोग बाग वहाँ पर स्टेशन पर पानी बेचते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए, इसलिए क्योंकि अनऑथराइज्ड पानी जो होता है वो लोगों की हेल्थ के लिए ख़राब हो सकता है क्योंकि वो ऑथोराइज नहीं है। तो इसलिए ऐसे जो पैकेट्स हैं, ऐसे जो पैकेजिंग जो होती है ड्रिंकिंग वाटर वगैरह की, तो उस पर रोक लगाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये ऑपरेशन थ्रस्ट जो है वो शुरू किया है। ऑपरेशन मिलाप की बात हो रही है, तो दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन मिलाप हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच जो है उन्होंने 333 मिसिंग चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया है, जो बच्चे खो गए थे उनको जो है वो रेस्क्यू कर लिया। और ये प्रोजेक्ट जो है ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है दिल्ली पुलिस की, उसके अंडर हम लोग को देखने को मिलता है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो डेवलप की जाती है, रेस्क्यू किया जाता है ट्रैफिक या फिर किडनैप बच्चों को और किडनैपर्स को अरेस्ट किया जाता है, राइट। अब गाइस बात करें महाराष्ट्र रिजर्वेशन इशू के बारे में, तो देखो महाराष्ट्र में बॉम्बे, ये एक्चुअली मैं आपसे पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, ये रिपीटेड न्यूज़ आ गई है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट जो है गाइस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है रिजर्वेशन ऑफ मराठा कम्युनिटी की, उसको अपहेल्ड कर दी है एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए महाराष्ट्र में। तो अभी प्रेजेंट हम लोग को 16% की देखने को मिल रही है 12% से और 13% से, यानी कि यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह जो है वो मराठा कम्युनिटीज़ के लिए बढ़ा दिया गया था, तो उसके ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है ये अपना डिसीजन जो है वो दिया था। अब बात की जा रही है गाइस पहल स्कीम के बारे में, तो बताया जा रहा है पहल स्कीम के तहत 59,599 करोड़ रुपीस तक का बेनिफिट या फिर लाभ जो है वो गवर्नमेंट को मिला है मार्च 2019 तक। और पहल स्कीम के फुल फॉर्म की बात करें तो प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ इसका फुल फॉर्म है, और इसका मेजर मकसद ये है कि जो एलपीजी कनेक्शन जो डुप्लीकेट लोग, यानी कि एक ही घर में 3-3, 4-4 एलपीजी के कनेक्शन जो है वो लगवा लेते हैं डुप्लीकेट कनेक्शन, और सब्सिडी वगैरह को गेन करने के लिए, और फिर ये एलपीजी की पूरी ब्लैक मार्केटिंग वगैरह कुछ चलती है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो रोकने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए जो है ये पहल स्कीम लाई गई थी। इस पहल स्कीम के तहत क्या होता है गाइस कि एलपीजी जैसे ही आप बुक कराते हो, फिर जो सिलेंडर वाले आपके घर पे आते हैं सिलेंडर देने, तब आप क्या करते हो उनको मार्केट रेट प्रोवाइड कराते हो, जैसे कि 850-900 जो भी आपके एरिया पे होगा वो सिलेंडर का रेट, तो वो आप उनको देते हो। फिर आपने नोटिस किया होगा कुछ दिनों बाद आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी जो है वो आ जाती है, राइट। तो इसीलिए कि मतलब यानी कि टारगेटेड बेनिफिशियरी को ही जो है वो लाभ मिल सके सब्सिडी का, तो उस पर ये फोकस किया जाता है, और सरकार का पैसा जो है वो बच सके और ब्लैक मार्केटिंग और इस प्रकार के बोगस या डुप्लीकेट कनेक्शन जो मार्केट में हम लोग को देखने को मिलते हैं उसको रोका जा सके। तो ये थी पहल स्कीम। अब नेक्स्ट पिलर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का, तो यहाँ पर टर्नओवर रेशियो की बात की जा रही है, तो वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट एनालिसिस के द्वारा पता लगा है कि टर्नओवर रेशियो इंडियन स्टॉक मार्केट का ये 2008 में 143 था और 2018 में ये 58 हो गया, यानी कि बहुत भारी मात्रा से इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसमें गिरावट हम लोग को देखने को मिली है, राइट। तो ये वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल रिपोर्ट के थ्रू जो है वो पता लगा है। अब उत्कर्ष 2022 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो 3 साल का रोड मैप ये हम लोग को उत्कर्ष 2022 का देखने को मिला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है ये उत्कर्ष 2022 रोड मैप। इस पर फोकस किया जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने रेगुलेशन सुपरविजन और भी इनके जो कुछ फंक्शंस वगैरह जो है वो इस रोड मैप के थ्रू जो है वो अच्छी करेगी, यानी कि बेटर करेगी, इम्प्रूव करेगी। अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना की यहाँ पर बात हो रही है, तो गाइज ये स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2001-2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया था। इस स्कीम का मेजर फोकस ये है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं आर्टिशियंस जो हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो प्रोवाइड किया जाए, उनको मोबालाइज कर दिया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप में और उनको ट्रेन किया जाए, राइट, जिससे कि वो बेटर तरीके से अपनी अर्निंग वगैरह जो है वो कर सकें। हस्तशिल्प की यहाँ पर बात हो रही है, आपको पता होगा कि जो आर्टिस्ट वगैरह जो होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में जो है वो काम करते हैं, तो उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए जो है वो ये स्कीम जो है वो लाई गई थी। हालांकि स्कीम के नाम से ही पूरी चीज़ क्लियर हो रही है, अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, हस्तशिल्प विकास करना, डेवलप करना हस्तशिल्प को, राइट, स्किल डेवलप करना उनमें, और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हैंडीक्राफ्ट्स आर्ट जो है उससे रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए आर्टिशियंस को, और उनको प्रॉपर एजुकेशन और मार्केट नॉलेज जो है वो दी जा सके, जिससे कि वो बेटर तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बनाकर बेटर मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकें। अब बात करें इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम के बारे में, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ने
इस स्कीम को जो है गाइस वो इंप्लीमेंट किया है, इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम। इस स्कीम का मेजर मकसद ये है कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं उनको नया मार्केट मिल सके, यानी कि बाहर दूसरी कंट्री में जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज वगैरह को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें, राइट, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपनी इंप्रूव कर सकें। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करें तो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है 2880 मेगावाट दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का, और ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है यानी कि जो डैम है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 1600 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे इस डैम को बनाने के लिए, और जब ये डैम बनकर एक बार तैयार हो जाएगा तो ये हाईएस्ट डैम होने वाला है इंडिया का, क्योंकि ये 278 मीटर की हाइट पर है, और ना ही सिर्फ हाईएस्ट डैम होने वाला है बल्कि लार्जेस्ट एवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारे इंडिया का हम लोग को देखने को मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट जो है वो दिबांग नदी के ऊपर लोकेटेड है, और नाम से ही समझ में आ रहा है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, राइट, और अरुणाचल प्रदेश में है, ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पिलर आता है एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज का। प्लान बी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो गाइज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है गाइज इनको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनके इस प्लान बी के लिए। ये प्लान बी क्या है गाइज, तो देखो गाइज नॉर्थ ईस्ट एरिया पे जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है इन्होंने क्या किया, एक ऐसी डिवाइस इंस्टॉल करी जो फॉरेस्ट जो एरियाज होते हैं जिसके बीच से ट्रेन की पटरी निकलती है। आपने भी कभी ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा बीच बीच में ट्रेन जो है वो जंगलों से निकलती है। अब गाइज यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक ऐसी डिवाइस लगा दी पटरियों के आसपास जिससे बी बस की आवाज़ आती है, यानी कि जो मधुमक्खी जो है जैसे वो भिनभिनाती है ना उस टाइप की आवाज़ आती है उस डिवाइस से। अब इससे क्या होता है कि वहाँ पे आसपास रहने वाले जो जानवर होते हैं स्पेशली एलिफेंट्स वो रेलवे ट्रैक से जो है वो दूर हो सके, क्योंकि एक रिसर्च के थ्रू पता लगा था कि एलिफेंट्स जो है वो मक्खियों से डरता है, मधुमक्खियों से, राइट, तो इसीलिए जैसे ही वो मधुमक्खी की आवाज़ सुनता है वो भागने लगता है इधर उधर। तो रेलवे ट्रैक के आसपास जब मधुमक्खियों, जब ट्रेन आने से पहले जब मधुमक्खियों की आवाज़ जो है वो यहाँ पर भिनभिनाएगी, यानी कि वो डिवाइस जो है वो भिनभिनाएगा उससे मधुमक्खी की आवाज़ निकलेगी, तो एलिफेंट अगर आसपास होगा तो वो डर के मारे उससे दूर भाग जाएगा, जिससे कि एलिफेंट का एक्सीडेंट ना हो रेलवे से और एलिफेंट की जान बच जाए, राइट। अब बात करें घड़ियाल के बारे में, तो ओडिशा ने घड़ियाल पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए जो है गाइस कुछ एफर्ट्स जो है वो लगाए हैं, हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल रही है। और इसमें घड़ियाल की अगर हम लोग बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, और शेड्यूल वन के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलती है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के। और घड़ियाल का हैबिटेट जो है यानी कि कहाँ पर घड़ियाल रहते हैं इंडिया में, तो गिरवा नदी, चंबल नदी, केन नदी, सोन नदी, महानदी नदी और रामगंगा नदी, राइट, तो ये कुछ रिवर्स हैं जहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं, और नेपाल में राप्ती नारायणी नदी में पाए जाते हैं। अब देखो गाइज ये स्केली फुट स्नेल है जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा है क्रेओ सो मलन। अब ये अब जिस प्रकार से इसको स्पेल कर लें, बड़ा खतरनाक टाइप का इसका नाम है इस स्नेल का। और ये गाइज ये बताया जाता है कि इंडियन ओशन पे ये तीन जगह पर पाए जाते हैं, और ये पहली स्पीसीज हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि बन गई है, जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड थ्रेटेंड स्पीसीज बताई जा रही है ड्यू टू डीप सी माइनिंग, यानी कि डीप सी माइनिंग के चलते इन स्पीसीज को, इन स्नेल को जो है वो काफ़ी भारी तौर पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और ये ईस्ट ऑफ मडागास्कर में हम लोग को ज़्यादातर ये इंडियन ओशियन में ईस्ट ऑफ मडागास्कर में देखने को मिलते हैं, राइट। अब ड्रैकिना कंबोडियाना की बात करें तो देखो ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इससे निकल रहा है खून, राइट, बट ये मतलब एक प्रकार का खून नहीं है, ये मतलब पेड़ का ही कुछ मतलब कुछ चीज़ है हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये पेड़ का नाम है ड्रैकिना कंबोडियाना, तो ये ज़्यादातर पेड़ जो है वो चाइना में और जापान में हम लोग को अक्सर देखने को मिलते हैं, और मोस्टली ये चाइना में दिखाई देते हैं ज़्यादातर ये पेड़। तो ये रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है इंडिया के अंदर एक ड्रैगन ट्री, राइट, तो ये ड्रैगन ट्री है ड्रैकिना कंबोडियाना, और ये कहाँ पर डिस्कवर हुआ है, तो आसाम के वेस्ट कार्बी एंगलोंग के सर्पो एरिया पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, डोंका सर्पो एरिया, राइट, और इसमें से रेड रीजन जो है वो निकलता है, ये आप रेड रीजन यानी कि पेड़ के अंदर से कुछ चीज़ निकलती है, इसके केमिकल नहीं बोलेंगे, नेचुरल केमिकल आप बोल सकते हो, ये पेड़ के अंदर से कुछ निकलता है इस प्रकार का, तो ये ऐसा लाल कलर होता है इसका, तो इसीलिए इसको जो है वो ड्रैगन ट्री के नाम से जाना जाता है। और ये गाइस एंशिएंट समय से मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, बॉडी ऑयल के लिए, वार्निश के लिए, इंसेंस यानी कि खुशबू वगैरह के लिए, और डाई पर्पज़ के लिए भी यूज़ में लिया जाता है एंशिएंट टाइम से। और पहली बार ये ड्रैगन ट्री जो स्पीसीज जो है वो इंडिया से रिपोर्ट किया गया है। और इंडिया की अगर बात करें गाइस तो इस हम लोग को देखने को मिलता है कि अंडमान निकोबार हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्ट में 9 ऐसे स्पीसीज हैं,
और दो वैरायटीज के इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं, बट ड्रैकिना कंबोडियाना एक लौता ट्रू ड्रैगन ट्री स्पीसीज है, यानी कि जो ट्रू रियल ड्रैगन ट्री स्पीसीज जो है इंडिया में, ये ड्रैकोनिया कंबोडियाना हम लोग को देखने को मिल रहा है, ड्रैकिनिया कंबोडियाना। अब देखिए बात हो रही है प्रो एल तुला एंटीक्वा के बारे में। अब इस प्रकार के साइंटिफिक नेम होते हैं, क्या बताएं। अब ये वाइन स्नेक की स्पीसीज हम लोग को देखने को मिल रही है, एक नया प्रकार का सांप है ये, और जो कि डिस्कवर हुआ है वेस्टर्न घाट से, और ये 26 मिलियन साल पहले जो है वो सर्वाइव किया करता था, और ये रीडिस्कवर हुआ है। 26 मिलियन साल पुराना ये सांप है, यानी कि उतने समय से जो है ये धरती पर मौजूद है, और ये सदर्न वेस्टर्न घाट्स का ही स्पीसीज है, एंडेमिक है, यानी कि सिर्फ सदर्न वेस्टर्न घाट्स में ही हम लोग को पाया जाता है, दिखाई देता है। तमिलनाडु ने स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दी है, अब तमिलनाडु की भी एक स्टेट बटरफ्लाई है जिसका नाम है तमिल योमैन, और इसका साइंटिफिक नेम आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर। और बटरफ्लाई जो है इसको लोकली तमिल मारवान के नाम से जाना जाता है, और मारवान का मतलब होता है वॉरियर, तमिलियन वॉरियर, राइट। और इसका साइज 60 से लेकर 75 mm के बीच का हम लोग को देखने को मिलता है, काफ़ी ब्यूटीफुल ये तितली है। और तमिलनाडु पाँचवीं स्टेट बन गई है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरला के बाद, जिनके पास खुद की स्टेट ये बटरफ्लाई है, राइट। अब प्लेन में ग्रीन टैक्स लगाने की यहाँ पर बात हो रही है गाइस, तो फ्रांस ने बोला है कि ये प्लेन में या प्लेन टिकट्स वगैरह में एक एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगाएगी, जिसका नाम है ग्रीन टैक्स। और ये ग्रीन टैक्स जो है वो किन किन पर्पस के लिए यूज़ में लाया जाएगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए लाया जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के पर्पस के लिए, ग्रीनर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, राइट। तो इन सब चीज़ों में ये पैसे जो है वो लगाए जाएंगे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्रांस के गाफा टैक्स के बारे में बात करी थी, राइट। गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन, गाफा टैक्स थोड़ी देर पहले नहीं बात करी थी, तो वैसे ही इसने एक ग्रीन टैक्स भी नया लेकर आ गया है, और 2020 से ये लागू किया जाएगा। और अब नेक्स्ट पिलर आता है जनरल साइंस का, तो कोलेस्टीन जो है वो एनिमल फूड इंडस्ट्री के लिए बैन कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें कि उन्होंने बोला है कि कोलेस्टीन की मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं की जाएगी फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स पर्पस के लिए, पोल्ट्री के लिए, एक्वा फार्मिंग या फिर एनिमल फीड सप्लीमेंट्स के लिए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि कोलेस्टीन के उपयोग से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो हमारी कंट्री में बढ़ता हुआ जा रहा है, और कोलेस्टीन माना जाता है लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक, कि अगर सभी प्रकार की एंटीबायोटिक से काम नहीं हो रहा तो कोलेस्टीन से काम हो सकता है। बट प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे इंडिया में कोलेस्टीन जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप करता जा रहा है, और आज की डेट में एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे दुनिया भर में। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है एक बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़िएगा, हालांकि प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जन जागरूकता अभियान के बारे में बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च कराया है ये पर्टिकुलर कैंपेन अभियान, और ये न्यू दिल्ली में जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज जो होती है जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इनको प्रिवेंट करने के लिए और इनको कंट्रोल करने के लिए। अब बात करें केयर फॉर यू एप्लीकेशन के बारे में, तो IIT खड़गपुर की टीम है, इन्होंने डेवलप किया है केयर फॉर यू एप्लीकेशन। किसके लिए किया है, एल्डरली पीपल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। ये एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है गाइस, तो ये कनेक्ट करेगी केयर गिवर को एल्डरली पर्सन के साथ। केयर गिवर कौन होते हैं, जैसे कि फैमिली के अंदर जो सीनियर सिटीजन होते हैं गाइस, उनका ख्याल रखने के लिए हम लोग को देखने को मिलता है कि केयर गिवर्स होते हैं, राइट। जैसे कि घर में कोई यानी कि किसी सीनियर सिटीजन के बच्चे हो सकते हैं, वो भी एज अ केयर टेकर या केयर गिवर की तरह हो, उनका ख्याल रखें, या फिर कुछ बिजी परिवार होते हैं जिनमें उन लोग क्या करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल को हायर कर लेते हैं अपने माँ बाप का ख्याल रखने के लिए, तो वो भी केयर गिवर हो जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन केयर गिवर को कनेक्ट करेगी एल्डरली पर्सन के साथ। इस एप्लीकेशन के अंदर मेडिकल हिस्ट्रीज का रिकॉर्ड होगा, जो एल्डरली पर्सन है उनकी एलर्जी का रिकॉर्ड होगा। इसमें एक SOS बटन होगा जो कि इमरजेंसी में एल्डरली पर्सन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कहीं पर उनको कोई परेशानी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, उनको अपने किसी को बुलाना है केयर गिवर को, तो ये इस बटन का उपयोग करके उसको बुला सकते हैं। और ये इसमें रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग भी है, राइट, कि कहाँ कहाँ पर एल्डरली पर्सन जा रहे हैं, उसकी लोकेशन जो है वो दूसरे केयर गिवर मोबाइल होल्डर को जो है वो मिल जाएगी। और साथ ही साथ गाइस, इसमें एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, वो है मेडिसिन रिमाइंडर का। कभी कभार लोग जो है वो भूल जाते हैं कि मेडिसिन जो है वो कब देनी है सीनियर सिटीजन को, या फिर सीनियर सिटीजन खुद ही भूल जाते हैं कि उनको मेडिसिन कब कब खानी है, तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में रिमाइंडर होगा जो कि उनको रिमाइंड करेगा समय समय पर कि उनको कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, ठीक है। अब माइक्रो डॉट्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इशू की है एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, जिसमें कि वो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल को अमेंड कर रहे हैं, और अलाउ किया जा रहा है मोटर व्हीकल्स को और उसके पार्ट्स वगैरह को, कंपोनेंट्स को, असेंबलीज को, सब असेंबलीज को
राइट अलाउ किया है कि यहां पर एक माइक्रो डॉट जो है वो लगाए जाएंगे। ये परमानेंट नेचर के होंगे और ये नियरली इनविजिबल होंगे, यानी कि हम लोग उसको डायरेक्टली नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, बट हाँ अगर आप उसको जो माइक्रोस्कोप वगैरह जो है उससे देखने की कोशिश करो तो वो आपको दिख जाएंगे। राइट तो ये क्यों किया जा रहा है गाइस, क्योंकि देखो आज की डेट में गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह जो है वो बिक जाते हैं, ओरिजिनल पार्ट्स डुप्लीकेट पार्ट्स गाड़ियों में लगा दिए जाते हैं, लोगों को बेच दी जाती है इस प्रकार की गाड़ियां वगैरह। तो ये माइक्रो डॉट्स के अंदर क्या होगा गाइस कि कोई भी जैसे ही शोरूम से गाड़ी निकलेगी तो उसमें लगे रहेंगे माइक्रो डॉट्स। इस माइक्रो डॉट्स की मदद से कोई अगर चोरी भी कर लेता है उनकी गाड़ी को, राइट, पहली बात तो ये एक आइडेंटिफिकेशन की तरह जो है वो उसका उपयोग किया जाएगा कि जैसे कि अगर किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है तो माइक्रो डॉट्स की एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, उसकी मदद से जो चोरी की गाड़ी जो है वो पकड़ी जा सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर चोर को माइक्रो डॉट को निकालना है तो उसके लिए उसको पूरी गाड़ी को डैमेज करना पड़ेगा, राइट, तभी वो माइक्रो डॉट निकलेंगे वरना नहीं निकलेंगे। और बहुत ही छोटे छोटे से ये डॉट्स होते हैं इसलिए नाम भी है माइक्रो डॉट्स, और स्प्रे करके पूरी बॉडी के पार्ट्स में पूरे व्हीकल में स्प्रे कर दिया जाता है इन माइक्रो डॉट्स को, और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है गाड़ियों का, राइट। और फिजिकली भी जैसे मैंने आपको बताया इसको रीड किया जा सकता है माइक्रोस्कोप की मदद से या अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से, और रिमूव नहीं किया जा सकता, और जो गाड़ियां चोरी होती हैं उन चोरियों को रोकने के लिए जो है वो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, राइट। अब चंदीपुरा वायरस की यहाँ पर बात हो रही है तो गुजरात में डिटेक्ट हुआ है ये चंदीपुरा वायरस, और ये चंदीपुरा बेसिकली एक गाँव का नाम है महाराष्ट्र के, उसी के नाम पर ये वायरस का नाम दिया गया है क्योंकि पहली बार चंदीपुरा गाँव महाराष्ट्र के का एक गाँव है वहाँ पर ये वायरस जो है वो डिटेक्ट किया गया था। और एक वेक्टर होती है गाइस फीमेल फेलिबोटो माइन सैंड फ्लाई जो होती है, यानी एक प्रकार की सैंड फ्लाई होती है वेक्टर, ये कैरियर होती है इसकी, और ये ब्रेन में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकती है, कोमा भी हो सकता है इस वायरस के चलते, डेथ भी हो सकती है एक इंडिविजुअल की, और काफ़ी ख़तरनाक है ये, और ज़्यादातर ये छोटे बच्चों को इन्फेक्ट करती है, 2 साल से 16 साल तक के बच्चों को इन्फेक्ट हो जाता है इस वायरस से। काला जर की बात करें गाइस तो एक स्टडी ने वार्निंग दी है कि काला जर के जो पेशेंट्स होते हैं वो इवन ट्रीटमेंट के बाद भी दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। काला जर की बात करें गाइस तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बीमारी जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है काला जर, और 119 डिस्ट्रिक्ट जो हैं 4 कंट्रीज में, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, तो यहाँ पर इस काला अजर का इम्पैक्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिला था। और ये डिजीज़ जो है, बीमारी जो है, ये सेकेंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर है पूरी दुनिया भर में, और विसरल लेशमैनियासिस LVL के नाम से इसको जनरली हम लोग जानते हैं, जिसको काला जर बोला जाता है, ब्लैक फीवर बोला जाता है और डमडम फीवर भी बोला जाता है, और उसमें मृत्यु के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हाई फर्टालिटी होती है। और इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, वेट लॉस, फटीग, एनीमिया और सब्सटेंशियल स्वेलिंग लिवर में और स्प्लीन में, तो ये इसके कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं। अब और कुछ मिसलिनियस न्यूज़ की बात करें गाइस तो NIOH और NIMH को मर्ज किया जा रहा है, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स हेल्थ को जो है वो डिसॉल्व कर देंगे और इसको मर्ज कर देंगे ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद के साथ, राइट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है। रेड कॉर्नर नोटिस की बात करें गाइस तो 27 अक्यूज पर्सन जो थे, यानी कि जिन लोगों के खिलाफ जो है वो रेड जो नोटिस जो है वो इशू किया गया था, तो इनको अरेस्ट करके इंडिया जो है वो लाया गया है 1 अप्रैल 2019 तक, तो 27 लोगों को जो है वो लाया गया। अब देखो रेड नोटिस क्या होता है, ये एक तरह का नोटिस है जिसको इशू किया जाता है इंटरपोल के द्वारा, बट कब किया जाता है, जब जैसे कि एग्जांपल को लेकर समझो, अब विजय माल्या जो है उसने फ्यूजिटिव क्राइम किया, हालांकि फ्यूजिटिव क्राइम के लिए होता नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ये, तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो होता है ना, जैसे कि जो बड़ा पैसा लेकर दूसरी कंट्री में भाग जाता है जैसे कि विजय माल्या, बट रेड नोटिस उन लोगों के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, हम लोग को देखने को मिलता है। देखो विजय माल्या पैसा लेकर भाग गया, अब ऐसी कोई एक इंडिविजुअल है दाऊद इब्राहिम, बेस्ट एग्जांपल, दाऊद इब्राहिम ने यहाँ पर जो है वो आप जानते हैं कि टेररिस्ट अटैक किया और वो भग गया, वो दुबई भग गया इंडिया छोड़ के, तो उस समय इंडिया ने इंटरपोल को लिखित में एक एप्लीकेशन भेजी कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ रेड नोटिस इशू किया जाए कि दाऊद इब्राहिम जहाँ कहीं पर भी हो तो उसको डिटेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल पुलिस या फिर दूसरी कंट्री की पुलिस जो है या ऑफिशियल्स अथॉरिटी जो है वो इंडिया को दें, राइट। तो ये इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखी जाती है इंटरपोल को, फिर इंटरपोल जो है उस एप्लीकेशन को इधर रिजेक्ट कर सकती है या फिर एक्सेप्ट कर सकती है, तो उसने अगर उस एप्लीकेशन को देखा कि हाँ यार ये सही है एप्लीकेशन, तो उसको वो एक्सेप्ट करेगी, और एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करती है, जितनी भी इंटरपोल के मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज, उन सभी को ये डेटा जो है वो दे दिया जाता है, क्योंकि उस एप्लीकेशन में जो भी जिस इंडिविजुअल क्राइम करके भागा है उसकी फोटो होती है और उसकी जो भी डिटेल्स होती है मैक्सिमम वो सब यहाँ पर मेंशन होती है, और वो सभी कंट्री मेंबर कंट्रीज़ को जो है वो रिपोर्ट पहुँच जाती है। इससे क्या होता है कि वो मेंबर कंट्रीज़ भी
जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वारंट डिक्लेयर करती हैं उसका, और फिर उसको पकड़ने की कोशिश करती हैं, और फिर जैसे ही उनको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्रिमिनल की लोकेशन मिल जाती है तो फिर वो होम कंट्री को इन्फॉर्म करती हैं इंटरपोल के थ्रू कि ये इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर है, और फिर उनको पकड़ कर होम कंट्री जो है वो उसकी भेज दिया जाता है जहाँ से ये एप्लीकेशन रेज हुई थी, राइट। तो ये इस प्रकार का थोड़ा रेड नोटिस का जो है वो काम होता है। अब खत्म हो गए हमारे प्रिलिम्स के करंट अफेयर्स, अब हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो जनरल स्टडीज पेपर वन का पिलर है वो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का। तो पहला ट्राइबल सर्किट हम लोग को स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू देखने को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर हम लोग को स्वदेश दर्शन स्कीम देखने को मिलती है जो जिसने ट्राइबल सर्किट को आइडेंटिफाई किया है। टोटल 15 थीमेटिक सर्किट से अलग अलग प्रकार के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के, तो उनमें से एक हम लोग को ट्राइबल सर्किट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो ट्राइबल कल्चर आर्ट हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा, शोकेस किया जाएगा, और ट्राइबल पॉपुलेशन को लाइवलीहुड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। तो ये इसका ट्राइबल सर्किट का ऑब्जेक्टिव है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर हम लोग को स्वदेश दर्शन स्कीम देखने को मिलती है, इसने तीर्थंकर सर्किट भी जो है वो आइडेंटिफाई किया है, और तीर्थंकर किससे रिलेटेड है, ये जैनिज्म से रिलेटेड है, राइट। जैनिज्म की इंपॉर्टेंट साइट ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखो गाइस, ये स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू हो क्या रहा है, हम लोग को देखने को मिलता है कि अलग अलग सर्किट जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब ये सर्किट से क्या हेल्प होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, अब कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है या फिर कोई हमारा डोमेस्टिक इंडियन टूरिस्ट है, इनको रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करना है तो उनके लिए अलग अलग सर्किट बनाए गए हैं, जैसे कि एक रामायण सर्किट भी है इसमें, जिसमें कि जो रामायण जो हुई थी, राइट, उसकी इंपॉर्टेंट सभी प्लेसेस मंदिर वगैरह और जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस वगैरह है वहाँ पर विजिट किया जाता है, इवन श्रीलंका तक ले आया जाता है रामायण सर्किट के थ्रू। और जैसे किसी को एडवेंचर करना है, किसी को इंडिया में बीचेस को देखना है, राइट, बीचेस वगैरह, बीचेस का टूरिज्म करना है, तो उसमें अलग अलग उनको सर्किट दिया जा रहा है, जिससे कि क्या होता है कि टूरिस्ट को एग्जैक्टली जो भी पर्पस के लिए टूरिस्ट जो है वो इंडिया में विजिट करना चाह रहा है या फिर इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो विजिट करना चाह रहे हैं, तो वो अपने पर्पस के हिसाब से अपने डेस्टिनेशन को जो है वो चूज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक प्रकार के सर्किट जो है वो अलग अलग बनाए जा रहे हैं फॉर बेटर टूरिज्म पर्पस के लिए, और टूरिस्ट जो है उसको आसानी हो इस पर्पस के लिए, राइट, समझ गए बातों को। तो ये इसकी चीज़ है, और ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, और इसकी फंड भी जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू लगाए जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं ये वाराणसी गए थे और यहाँ पर इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टैचू जो है वो लगाया, और ये वाराणसी एयरपोर्ट के पास इनका स्टैचू हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनको टाइटल मिला था शास्त्री, जिसका मतलब होता है स्कॉलर, और ये विद्यापीठ के द्वारा दिया गया था, और इनकी बैचलर डिग्री का ही एक अवार्ड था विद्यापीठ, तो उसी समय इनको स्कॉलर या फिर शास्त्री टाइटल जो है वो मिल गया था। और ये लाइफ मेंबर थे पीपल सोसाइटी लोक सेवक मंडल के, और इन्होंने लोक सेवक मंडल की अगर हम लोग बात करें तो फाउंडेशन लोक सेवा सेवक मंडल का किया था लाला लाजपत राय जी ने, और इसका मेजर मकसद ये था कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको अपलिफ्ट करना, और उसके बाद कुछ समय के बाद ये पीपल सोसाइटी लोक सेवक मंडल के प्रेसिडेंट भी बन गए, राइट। और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सॉल्ट सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के साथ, और फेमस शास्त्री फार्मूला भी इन्होंने बनाया था, राइट, और इन्होंने वाइट रेवोल्यूशन को ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया था। 1964 में इन्होंने श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर सिरी मावो बंदर नाइके के साथ जो है एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया 1964 में, और इसी को हम लोग श्रीमावो शास्त्री पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इंडियन तमिल्स को लेकर जो है वो कंसर्न किया गया था, राइट। और भारत रत्न अवार्ड से भी इनको 1966 में सम्मानित किया गया, और इन्होंने ताशकेंद डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया था 10 जनवरी 1966 को, और पाकिस्तान इंडिया वॉर को ख़त्म करने के लिए जो 1965 में जो वॉर शुरू हुआ था। कहीं जब हमारा नेक्स्ट पिलर है सोशल इश्यूज, तो देखो बात हो रही है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के बारे में। तो नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर जो कि 2007 की पॉलिसी है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो इन्होंने एक एक्सक्लूसिवली वुमेन फार्मर्स के लिए एक प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, जिसका नाम रखा है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। नाम से समझ में आ रहा है कि जो महिला किसान है वुमेन फार्मर है उनको एम्पावर करने की ये स्कीम जो है वो बताई जा रही है, और इसमें फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है 60% तक की सभी स्टेट्स के लिए सेंटर के द्वारा, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग ऑफर करेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस दी है सेल्फ केयर इंटरवेंशंस फॉर हेल्थ के लिए, और पहली गाइडलाइन ये हम लोग को देखने को मिल रही है सेल्फ केयर इंटरवेंशन की।
तो देखो है क्या ये, इजी तरीके से समझो, तो बताया जा रहा है कि आने वाले समय में डॉक्टर्स वगैरह की जो मेडिकल स्टाफ्स है वो उनकी कमी बहुत ज़्यादा होने वाली है, राइट, हेल्थ केयर वर्कर्स की। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस लाई गई है जिससे कि लोग बाग अपना खुद का इलाज जो है वो खुद से कर सकें। तो इस प्रकार की गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। और ये बताया गया है कि 2035 तक पूरी दुनिया जो है वो शॉर्टेज फेस करने वाली है डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की, और 13 मिलियन तक लगभग हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज हम लोग को देखने को मिलेगी। और इसीलिए ये कुछ गाइडलाइंस लाई गई हैं जिसमें मेजर फोकस जो है वो रखा गया है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स के ऊपर, जिसमें सेल्फ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात हो रही है, होम बेस्ड ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट्स की बात हो रही है, HIV सेल्फ टेस्टिंग, सेल्फ मैनेजमेंट, मेडिकल अबॉर्शन की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस प्रकार की जो गाइडलाइंस जो है वो रखी गई हैं जिससे कि लोग खुद ब खुद अपनी बॉडी का जो है वो ख्याल कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में रख पाएँ। अब बात करें स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के बारे में, तो ये एक रिपोर्ट है जिसको यूनेस्को और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने रिलीज़ किया है। और इस रिपोर्ट में पाया गया है कि इंडिया के अंदर 75% 5 साल की उम्र के बच्चे जो कि डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं PWD की कैटेगरी में जो है, और 25% जो बच्चे हैं यानी कि 4 में से 1 बच्चे जो हैं जो कि डिसेबल हैं, राइट, और 5 से लेकर 19 साल की उम्र के, तो वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो देखो गाइस, इसमें हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर 78 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो PWD कैटेगरी के हम लोग को देखने को मिलते हैं इंडिया में, जो कि 5 से 19 साल की उम्र के बीच के हैं, और इनमें से मात्र 61% बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड कर रहे हैं, और लगभग 12% बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हैं, और 27% बच्चे जो हैं वो आज तक स्कूल तक नहीं गए। और इनमें से काफ़ी कम बच्चियां हैं गाइस जो कि PWD कैटेगरी की हैं जो कि स्कूल गई हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, राइट, यानी कि बॉयज़ PWD कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, बट बच्चियां के स्कूल अटेंड करने के नंबर जो है वो काफ़ी कम है, राइट। तो ये चीज़ बात हो रही है। इनरोलमेंट पर्पस परस्पेक्टिव से भी गर्ल्स की यहाँ पर बात हो रही है कि ज़्यादा जो बच्चियाँ जो है वो पीछे छूटती जा रही हैं बॉयज़ से, राइट, कि उनको मौका नहीं मिल रहा जो स्कूल्स वगैरह में दाखिला दिलवाने का। और इंडिया जो है वहाँ पर 8 मिलियन यानी कि आप कह सकते हो 80 लाख बच्चे जो हैं वो डिसेबल कैटेगरी के हैं, जिनमें से 45% जो है वो लिटरेट नहीं है, राइट, उनको लिटरेसी नहीं मिल पा रही है, और पूरी दुनिया भर में 15% बच्चे जो हैं वो डिसेबल हैं। और इसमें बड़े चैलेंजेस ये हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, जिसमें जो कि मैंडेटरी करता है कि सभी बच्चों को जो है वो स्कूल एजुकेशन मिल सके, बट इसके अंदर जो जो बच्चे हैं जो डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं तो उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिसोर्सेज परस्पेक्टिव के लिए, राइट, कि उनको अलग से कोई रिसोर्सेज मिले उसके लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बच्चा है जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता या सकती, तो उनके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस जो है वो नहीं अलग से अलॉट की गई है, और की भी गई है तो उसकी जानकारी काफ़ी कम है और वो बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट। और सेकेंडली यहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि जो बच्चे हैं जो चल नहीं पाते हैं, राइट, तो उनके लिए कोई व्हीलचेयर फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल में, राइट, प्रॉपर डिसेबल पर्संस के लिए कोई टॉयलेट नहीं है स्कूल में, ये भी एक बड़ा इशू है। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बताया जा रहा है, और इसमें फंडिंग वगैरह भी प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, और फंडिंग अगर एलोकेट यानी कि फंडिंग अगर रेज की जाती है तो वो एलोकेट नहीं होती है प्रॉपर तरीके से, तो ये फाइनेंस को लेकर भी काफ़ी बड़ा चैलेंज यहाँ पर आ रहा है सामने। और राइट टू एजुकेशन, राइट टू चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो बताया जा रहा है कि उसको अमेंड किया जाए, जिसके चलते राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के साथ उसको अलाइन करते हुए जो डिसेबल किड्स हैं, डिसेबल बच्चे जो हैं, उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो और भी काफ़ी सारे रिकमेंडेशन हैं। अब फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस इंडिया 2019 की बात हो रही है, तो एक नई रिपोर्ट हम लोग को ये देखने को मिली है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा लाया गया है, रिलीज़ किया गया है, जिसमें पाया गया है कि मेल न्यूट्रिशन चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो, यानी कि कुपोषण किसी भी फॉर्म का हो, चाहे वो अंडर न्यूट्रिशन, वास्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट हो, राइट, चाहे वो इनएडिक्वेट विटामिन और मिनरल्स या फिर ओवरवेट, ओबेसिटी हो, तो ये बता रहे हैं कि इसके चलते यानी कि माल न्यूट्रिशन, किसी भी तरीके का माल न्यूट्रिशन है उसके चलते इंडिया में और नहीं सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया भर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, राइट, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे पूरी दुनिया भर में से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और इंडिया की बात करें तो झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये
पांच स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा अंडरवेट चिल्ड्रन और स्टंट चिल्ड्रन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि माल न्यूट्रिशन के कारण जो जो पुअरेस्ट सेक्शन है यानी कि जो गरीब लोग हैं ये और ज्यादा गरीबी में जो है वो जाते जा रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, अंडरवेट, एनीमिया, राइट, तो ये कुछ फॉर्म्स हैं, ये पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पेरेंट है उससे फिर बच्चों को होते हैं, फिर उनके बच्चों से बच्चों को होते हैं। स्टंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं गाइस, जैसे कि गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि पोषण अभियान जो है गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू फोकस किया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन जो है जो कि स्टंट बच्चों की है, राइट, उनको रिड्यूस किया जाए 25% तक उनको लेके जाए। स्टंट बच्चे यानी कि वो बच्चे जिनकी हाइट जो है वो नॉर्मल एज के अकॉर्डिंग कम हो जाती है, राइट, माल न्यूट्रिशन के कारण। आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी, राइट, आपको याद आ रहा होगा सुपर 30 में एक बच्चा होता है, वो खड़ा होता है तो उससे ऋतिक रोशन पूछते हैं कि, या फिर आनंद सर उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारी हाइट इतनी कम क्यों है, तुम लग ही नहीं रहे हो, तो उसने वो बोलता है कि एक टाइम खाएंगे तो यही होगा। तो यही होती है स्थिति माल न्यूट्रिशन बच्चों की कि वो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता उनकी बॉडी में, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, तो इसके चलते उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों में बहुत बड़ा नुकसान होता है, राइट। तो ये यही वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि हर साल 2% तक माल न्यूट्रिशन जो है वो कम करना है और स्टंट बच्चों की पॉपुलेशन में, राइट, और 25% तक जो है वो उसको लेकर आना है 2022 में। और फोर्टिफाइड राइस और मिल्क जो है ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं पायलट बेसिस पर और अलग अलग स्टेट में। हालांकि अभी हम लोग ने कुछ पिछले मंथली ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था कि जो नेशनल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, राइट, उसका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है हम लोग को देखने को मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इस पर्टिकुलर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो सस्ते रेट में, काफ़ी सस्ते में राइस और वीट और ग्रेन जो है वो दिए जाते हैं, राइट, काफ़ी सस्ते रेट में, 3 रुपये पर केजी, 2 रुपये पर केजी और 1 रुपये पर केजी के हिसाब से, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड्स हैं तो उनको ये दिया जाता है फेयर प्राइस शॉप से। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर उसमें जो राइस जो दिया जाता है 3 रुपये पर केजी के हिसाब से वो फोर्टिफाइड राइस होगा। फोर्टिफाइड राइस यानी कि जो नॉर्मल जो चावल होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कुछ नहीं होता, बट फोर्टिफाइड राइस में वेरियस मिनरल्स एंड विटामिन जो है वो मिलाए जाएंगे, एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे अलग से और लोगों को दिया जाएगा, जिसके चलते उनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम कम हो। इसके अलावा यही सेम चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी कि मिड डे मील स्कीम जो है गवर्नमेंट की माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू बच्चे स्कूल में आए, इनरोल हों और उनको खाना जो है वो मिल सके और भरपूर यानी कि न्यूट्रिशन रिच खाना जो है वो उनको मिल सके, समझ रहे बातों को। और इसमें ये भी बोला गया माल न्यूट्रिशन का, जैसे मैंने आपको बताया था कि माल न्यूट्रिशन जनरेशन टू जनरेशन जो है ये पास ऑन होता है। कैसे होता है, जो मदर है गाइस वो मदर अगर भूखी है, माल नरिश्ड है, कुपोषित है मदर, और जो वो बच्चों को जो जन्म देती हैं तो उनका बच्चा भी जो होगा वो भी कुपोषित होगा, वो भी अंडरवेट होगा और वो प्रॉपर उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये जो माल न्यूट्रिशन के फॉर्म्स हैं ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, राइट। अब बात हो रही है परामर्श स्कीम के बारे में, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च करी है परामर्श, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्कीम है ये, और इसके थ्रू मेंटर किया जा रहा है नेशनल एक्रीडिशन एंड असेसमेंट काउंसिल को एक्रीडिशन एस्पिरेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, और प्रमोट किया जा रहा है क्वालिटी अश्योरेंस हायर एजुकेशन में। ईजी तरीके से समझाऊं तो मैं, ये है क्या, तो गाइस देखो इसमें फोकस किया जा रहा है कि जो हमारी कंट्री के जो बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, IIT हो गया या इस प्रकार के जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूशन, ये क्या करेंगे, ये छोटे इंस्टीट्यूशन को जो कि मतलब जिनकी रैंक काफ़ी कम है या फिर जो जिनकी रैंक आ ही नहीं रही है, राइट, कहीं पर भी, तो उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उनको बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वो उनको मेंटर कर सकें, राइट, वहाँ उनको सिखा सकें अबाउट वेरियस थिंग्स कि कैसे मैनेज किया जाए स्कूल्स को, कैसे स्टूडेंट्स को मैनेज किया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी। तो यही है परामर्श स्कीम। परामर्श का फुल फॉर्म क्या है, कंसल्टेंसी, राइट, आप जाओ डॉक्टर से परामर्श कर लो, कंसल्टेंसी कर लो डॉक्टर से, कंसल्ट कर लो, सॉरी, राइट, तो ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं ये छोटे इंस्टीट्यूशन बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ कंसल्ट करेंगे और बड़े इंस्टीट्यूशन जो है, राइट, क्वालिटी वाइज की बात कर रहा हूं मैं, तो वो छोटे इंस्टीट्यूशन को हेल्प करेंगे उनकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली है इसके थ्रू। तो ये हायर एजुकेशन में क्वालिटी को इंप्रूव करने की यहां पर बात हो रही है वेरियस चीज में, जैसे कि रिसर्च में, ट्रेनिंग में, लर्निंग मेथोडोलॉजी में क्वालिटी जो है वो इंप्रूव की जाएगी। और इसमें फोकस किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनको मेंटरिंग मिल सके, 1000 इंस्टीट्यूशन को
बेनिफिट मिल सके कि उनको बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वो हेल्प कर सकें उनकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए. पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न की यहाँ पर बात हो रही है. तो इबोला का आउटब्रेक हम लोग को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिला है. अफ्रीकन कंट्री है ये, यहाँ पर इबोला बहुत तेज़ी से फैला है और इसको फैलते ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दी है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी. गाइस, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर की जाती है? जब कंट्री टू कंट्री कोई डिजीज़ जो है वो फैलना शुरू हो जाती है और बहुत तेज़ी से फैलने लगती है, तो उस समय जो ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर होती है. और ये पाँचवीं बार ऐसा हुआ है कि WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करी है, राइट. और इसके अलावा हम बात करें पब्लिक इमरजेंसी की, तो गाइज ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म होता है, यानी कि ये बिल्कुल ऐसा होता है कि अब बहुत हालत ख़राब है और तुरंत जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं, राइट. यानी कि अब स्ट्रिक्ट एक्शन की भी छोड़ना, यानी कि ये समझ लो कि अब स्थिति मतलब पानी जो है वो सर से ऊपर निकल रहा है, अब कुछ ना कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा और सबको मिलकर करना पड़ेगा. तो एक इंटरनेशनल एफर्ट के तौर पर ये अलार्म जो है वो रेज किया जाता है कि आपस में दूसरी कंट्रीज भी जो है वो मिलकर ये डिजीज़ को ख़त्म करने पर टारगेट करें, फोकस करें, राइट. अब ये हो गया हमारा ये वाला पिलर. अब जनरल स्टडीज पेपर 2 का पॉलिटी एंड गवर्नेंस पिलर आता है. आर्टिकल 370 की बात हो रही, तो आप सभी जानते हो कि आर्टिकल 370 जो है उसको रिवोक कर दिया है. जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 को अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बन गई है और लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी बन गई है. जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया. तो थोड़ी बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 370 के बारे में. तो ये स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराती है जम्मू एंड कश्मीर को. ये एक टेम्पररी प्रोविजन था जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि टेम्पररी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन को डील करता है, राइट. और इसमें बोला जाता है कि डिफेंस, फॉरन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन को छोड़कर पार्लियामेंट जो है वो स्टेट गवर्नेंस के ऊपर या फिर स्टेट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो उसको इंटरवीन नहीं कर सकती, यानी कि उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती पार्लियामेंट. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो किसी और स्टेट के लिए भी लॉ बना सकती है, राइट. कंकरेंट लिस्ट में अगर शामिल हो कोई पर्टिकुलर कानून, तो उसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट अपने लॉज वगैरह बना सकती है. बट जम्मू एंड कश्मीर में ये आर्टिकल 370 के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. आर्टिकल 370 में ये लिखा गया है कि सिर्फ पार्लियामेंट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, इन चीज़ों पे ही लॉ बना सकती है और बाकी दूसरी किसी चीज़ पे हस्तक्षेप जो है वो नहीं कर सकती स्टेट में. और इंडियन सिटीजन जो है दूसरी स्टेट के, गाइस आप सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 नहीं था, हटाया नहीं था जब था वहाँ पर, तब कोई भी इंडियन जो है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था या खरीद सकती थी जम्मू एंड कश्मीर में. जैसे कि जनरली आपको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है दिल्ली में, मुंबई में, तो यू आर फ्री टू परचेज दैट प्रॉपर्टी. कहीं पर भी जाओ, आप पैसे लगाओ, आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर लोगे, बट नॉट इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आप जम्मू एंड कश्मीर में भले आपके पास करोड़ों रुपए के होना हो, आप वहां पर जाकर कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते हो अनटिल अनलेस आप वहां पे जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन नहीं हो. अगर होगे तो आप परचेज कर लोगे, अगर नहीं होगे, दूसरे स्टेट के सिटीजन होगे, तो आप वहां पे नहीं परचेज कर पाओगे. तो ये एक क्लॉज था. और वाइस वर्सा इसका नहीं होता है. इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग इंडिया में आकर जॉब्स ले सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, उनके लिए अलाउड था. बट जो रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स हैं, वो लोग अगर जम्मू एंड कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, राइट. और सेंटर जो है वो आर्टिकल 360 के थ्रू फाइनेंशियल इमरजेंसी भी जम्मू एंड कश्मीर में डिक्लेयर नहीं कर सकती थी, राइट. और बस सेंटर के पास इमरजेंसी डिक्लेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर वॉर. वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन में पार्लियामेंट जो है या फिर सेंटर जो है ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती थी आर्टिकल 370 के थ्रू, जब यह मतलब था आर्टिकल और तो वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में. और आर्टिकल 370 में यह भी लिखा था कि इंडियन पार्लियामेंट जो है ये ना ही स्टेट की बॉर्डर्स को रिड्यूस कर सकती हैं ना इंक्रीज कर सकती हैं. और रेसिडरी पावर जो होती है, यानी कि जो पावर्स जो कि स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो वो पावर्स हम लोग को देखने को मिलता था. रेसिडरी पावर जो होती थी ये पार्लियामेंट इस पर प्रिवेल करती थी. बट यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेसिडरी पावर जो है वो भी जम्मू एंड कश्मीर के पास थी. और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर जो लॉ बनाने की जो पावर है वो भी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर के पास हम लोग को देखने को मिलती थी. और पार्ट 4 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था. तो ये तो हमने करी आर्टिकल 370 की बात. अब आर्टिकल 35A की बात करें, तो गाइज ये आर्टिकल 35A ये जम्मू एंड कश्मीर को पूरी पावर देता है ये डिसाइड करने की कि कौन इंडिविजुअल जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट होगा या नहीं, राइट. और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर जॉब्स
प्रॉपर्टी एक्विजिशन जम्मू एंड कश्मीर में, स्कॉलरशिप और दूसरे जो पब्लिक एड और वेलफेयर है, तो इस पर भी पूरी पावर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर की हम लोग को आर्टिकल 35A के थ्रू देखने को मिलती थी। और अब आप जानते हो कि आर्टिकल 35A जो है हटा दिया है उसको, आर्टिकल 370 को हटा दिया है अभी एट प्रेजेंट। अब बात करें गवर्नर इन इंडिया की गाइस, तो देखो आर्टिकल 156 जो है उसके अंडर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी इंडियन स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली रामनाथ कोविंद जी जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने नए गवर्नर अपॉइंट किए हैं छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के। तो देखो गाइस गवर्नर के बारे में थोड़ी स्टैटिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत में ये अवेलेबल हैं, हालांकि आप इसको वीडियो को पॉज करके रीड करके जो है वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि गवर्नर जो है वो कौन होते हैं, उनके उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर वगैरह क्या होती है, प्रेसिडेंट के साथ ये कैसे अलग होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की पावर में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें थोड़ी पढ़िएगा आप। सेम वैसे ही फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के टेन्योर को जो है वो बढ़ाकर 30th नवंबर 2019 जो है वो किया जा रहा है, राइट। तो फाइनेंस कमीशन जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, आर्टिकल 280 के अंदर ये मेंशन है फाइनेंस कमीशन के बारे में। और ये फाइनेंस कमीशन जो है ये रिकमेंडेशन देता है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़ की, टैक्स रेवेन्यू जो है टैक्स से बनने वाली जो इनकम होती है ये कैसे डिवाइड होगी यूनियन में, स्टेट्स में, राइट, और आपस में स्टेट्स के बीच में। और इसके दो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हम लोग को इस कमीशन के देखने को मिलते हैं, तो जो भी टैक्सेशन पावर और एक्सपेंडिचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के से रिलेटेड जो इम्बैलेंस होता है तो उसको ये क्लियर करती है, सॉर्ट आउट करती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो इम्बैलेंस होता है, राइट। तो ये इसके अलावा इक्वलाइजेशन ऑफ ऑल पब्लिक सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट्स, तो इसके ये दो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसका कमीशन की ड्यूटी क्या है, तो मैंने आपको बताया कि टैक्सेस के से रिलेटेड ये रिकमेंडेशन देती है कि कैसे टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टेट्स को जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, ग्रांट इन एड जो हम लोग देखते हैं, तो उसके बारे में ये रिकमेंडेशंस वगैरह देती है, कुछ चीज़ें बताती है, राइट। तो हालांकि फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लक्ष्मीकांत में डिटेल में पढ़ोगी, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है। अब प्रिविलेज मोशन की बात हो रही है गाइस, तो ये तृणमूल एमपी जो है महुआ मोइत्रा, तो इन्होंने प्रिविलेज मोशन जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन ये लोकसभा में जो है वो मूव कराया है, और ये एक प्राइवेट हिंदी न्यूज़ चैनल और उनके एडिटर के अगेंस्ट जो है ये प्रिविलेज मोशन था। और इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि एक न्यूज़ चैनल ने ये महुआ मोइत्रा जी जो जो कि एमपी है तृणमूल की, तो इनके लिए कहा था कि इनकी जो पहली स्पीच थी पार्लियामेंट में वो कॉपी की गई स्पीच थी, कि वो जो स्पीच दे रही हैं वो किसी से कॉपी करके ये स्पीच दे रही है। जैसे ये होता है ना कि कई सारे लोग जो है वो किसी का डायलॉग कॉपी कर लेते हैं किसी मूवी में या फिर कुछ ऐसे इस प्रकार की चीज़ें, तो वैसे ही इन्होंने बोला कि किसी और ने ये स्पीच दी थी जिसकी स्पीच को आप कॉपी कर रहे हो, तो ये इससे बुरा मान गई और इन्होंने फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है ये चालू किया, यानी कि मूव करवाया लोकसभा में। अब देखो प्रिविलेज मोशन क्या होता है गाइस, तो एमपीज जो होते हैं उनके पास कुछ राइट्स और इम्यूनिटीज़ होती हैं जिसको वो एंजॉय करते हैं कलेक्टिवली इंडिविजुअली, ये एंजॉय कर सकते हैं, राइट, और जिससे कि इन ये अपने फंक्शंस वगैरह बेटर तरीके से इफेक्टिव तरीके से डिस्चार्ज कर सकें, इसलिए इनको प्रिविलेज मोशन दिया का राइट जो है या फिर कुछ इम्यूनिटीज़ वगैरह जो है वो दी गई हैं। अब देखो इसमें होता कुछ नहीं, इसमें ये होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी एमपी के खिलाफ जो है वो कुछ गलत बातें बोल देता है जो कि सही नहीं होती है, राइट, तो उसके वो अपनी डिग्निटी को जो है वो उच्च तौर पर ले जाकर ये मोशन जो है वो पार्लियामेंट में रख देते हैं, राइट। अब इंटरनेट साथी की यहाँ पर बात हो रही है, तो गूगल इंडिया और टाटा ट्रस्ट ने जो है वो इंटरनेट साथी डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को जो रूरल वुमेन है पंजाब और ओडिशा के विलेजेस की उन तक भी एक्सटेंड करने की बात करी है। तो गाइज अभी तक ये प्रोग्राम जो है वो 2.5 लाख विलेजेस में या फिर 2.5 लाख से ज़्यादा 2.6 विलेज की यहाँ पर बात हो रही है वहाँ पर एक्टिव है, हमारी 18 स्टेट्स में ये अभी तक एक्टिव था, अब ओडिशा और पंजाब को मिलाकर 20 स्टेट्स हो चुका है इंटरनेट साथी प्रोग्राम। ये जॉइंट इनिशिएटिव है गूगल इंडिया और टाटा ट्रस्ट का जिसमें फोकस किया जाता है कि जो रूरल गांव क्षेत्रों में रहने वाली जो महिला हैं उनको लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी से अवगत कराया जा सके, राइट। और इसका मेजर एम ये है कि साथी इसको ट्रेन करना, पहले तो ये क्या करते हैं कि पहले किसी इक्का दुक्का महिलाओं को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं उनको, फिर उसके बाद एज अ वॉलंटियर बनाते हैं कि वो महिला उनके गाँव में रहने वाली जो दूसरी महिला है उनको भी डिजिटल लिटरेसी से अवगत कराएं, राइट, और वुमेन को एजुकेट कर सकें। अब वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है गाइस, तो ये पायलट बेसिस पे 4 राज्यों में लॉन्च किया गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसका मेजर फोकस ये है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम जो है गवर्नमेंट की या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो सस्ते में राइस, वीट और फूड ग्रेन्स वगैरह जो है वो दिए जाते हैं 3 रुपये पर केजी के हिसाब से, राइस 2 रुपये पर केजी के हिसाब से, वीट और 1 रुपये पर केजी के हिसाब से फूड दिया जाता है सब्सिडाइज प्राइस में। किन लोगों को? जिन लोग के पास राशन कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड होता है और जो फेयर प्राइस शॉप जो होती है, राशन शॉप जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं,
तो वहां से काफी सस्ते रेट में जो है वो राशन दिए जाते हैं राइट गरीबों को। तो ये बताया जा रहा है कि होता यह है गाइस, उस राशन कार्ड की पहले आप बैकग्राउंड समझो, तो जिस भी इंडिविजुअल को जो राशन कार्ड अलॉट किया जाता है तो वो सिर्फ ऐसा राशन कार्ड होता है कि वो अपने एरिया में स्थित जो उसमें यानी कि उस राशन कार्ड में लिखा रहता है कि आप आपको जो है वो कहाँ से जो है ये ग्रेन्स परचेज करने, यानी कि किस दुकान से आपको, किस फेयर प्राइस शॉप से ये आपको ग्रेन परचेज करना है, तो उसमें मेंशन होता है। अब इससे क्या होता है कि एक लेबर जो होता है या छोटे बिलो पॉवर्टी लाइन का जो इंडिविजुअल होता है या होती हैं, तो वो फंस जाते हैं कि उनको एक ही जगह से सामान मिलेगा। अब अगर जैसे काम के पर्पस के लिए उनको अगर कहीं बाहर शिफ्ट होना है, दूसरी स्टेट में जाना है, तो फिर उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है ये सब चीज़ें। तो इसमें बताया गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का मकसद ये है कि एक बार आपका राशन कार्ड बन गया, उसके बाद आप किसी भी फेयर प्राइस शॉप से जाकर, हमारे इंडिया में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से जाकर आप राशन ले सकते हो राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग को इस वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में देखने को मिली। हालांकि इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस में बताया था, जो कि मैं अपने दूसरे चैनल ओनली करंट अफेयर्स पे प्रोवाइड कराता हूँ। ये ओनली करंट अफेयर्स जो चैनल है गाइस, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही चैनल है, उसी की एक ब्रांच है, जहाँ पर मैं पहले डेली न्यूज़ एनालिसिस किया करता था, अभी वहाँ पर वीकली न्यूज़ एनालिसिस होती है राइट। अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी जाकर देख सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो अगस्त 2020 तक सभी राज्यों में जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी, और अभी सिर्फ पायलट बेसिस पर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। अब देखो गाइस, नागालैंड के लिए RIIN के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट ऑफ नागालैंड। तो जैसे कि आसाम के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की प्रोसेस चल रही थी, जहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा था ऐसे लोगों को जो लोग इल्लीगल तरीके से आसाम में आकर बस गए, तो सेम वही चीज़ है, ये RIIN भी वही है कि ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई जो नागालैंड के बाहर के स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको दोबारा अपने स्टेट्स में या फिर अपनी कंट्री में डिपोर्ट करने की यहाँ पर बात हो रही है। वही जब बताया जा रहा है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019 के बारे में, तो देखो ये बिल जो है इसको राज्यसभा का अप्रूवल मिल गया है, लोकसभा में ऑलरेडी ये बिल पास हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो इस बिल को असेंट दे देंगे तो ये कानून बन जाएगा। अब गाइस बताया जा रहा है कि ये बिल जो है वो ऐसी कंपनीज के लिए बनाया गया है जो फेक कंपनीज होती हैं, जो लोगों के पैसे उनसे डिपॉजिट कराती हैं और उसके बाद वो फरार हो जाती हैं। जैसे कि फिर हेरा फेरी मूवी में आपने देखा होगा, एक का डबल करती है अनुराधा, है ना, तो उसमें बिपाशा बासु एक का डबल नहीं करती कि आप 50 लाख रुपये दो और फिर आपको 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा, तो इस टाइप से हम लोग को देखने को मिला था उस मूवी में। तो सेम वैसे ही ऐसी स्कीम्स होती हैं जो गरीबों से को उलझाती हैं, उनको बोलती हैं कि, क्योंकि अक्सर ऐसी स्कीम में जो फाइनेंशियल इलिटरेट जो लोग होते हैं, जो थोड़े गरीब होते हैं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में उतना नहीं पता होता, वो फंस जाते हैं। उनसे बोला जाता है कि 5000 रुपये हर महीने आप जमा करो इस स्कीम के थ्रू, और एक साल के बाद जो है वो आपको, जैसे अगर 5000 रुपये को ये हर महीने जमा कर रहा है तो मान के चलो आप कि 12 महीने में उसके 60000 रुपये उसकी सेविंग हो जाती है, बट उसको बोला जाता है कि एक साल तक 5000 रुपये जमा करो आप और एक साल के बाद आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो 11 महीने तक ये जमा करवाते हैं और 12वें महीने ये फरार हो जाते हैं, अपने पूरे ऑफिस वगैरह को शटडाउन करके भाग जाते हैं। तो ऐसी अनरेगुलेटेड स्कीम जो है गाइस उसको बैन किया जा रहा है और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और जो भी इंडिविजुअल, इसमें यह भी प्रोविजन है कि जो भी इस प्रकार की अनरेगुलेटेड स्कीम चलाते हैं उनके खिलाफ सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल 2019 की बात हो रही है, तो एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में आया है जो कि बोल रहा है कि 2 child norms जो है वो उसको इन्फोर्स किया जाए, यानी कि हम दो हमारे दो वाले जो जो कैंपेन जो था या फिर जो स्लोगन जो हुआ करता था, हम दो हमारे दो, लोगों को अवेयर किया जाता था कि सिर्फ दो ही बच्चे को बर्थ दें राइट। तो उस प्रकार की चीज़ कुछ आई हुई है और उसको कानून में बदलने की यहाँ पर बात की जा रही है 2 child norm में राइट। और जो भी इंडिविजुअल इसका 2 child norm को फॉलो नहीं करते हैं उनके खिलाफ पेनल्टी जो है वो उनके खिलाफ लगाई जाएगी। और इवन इसमें पेनल्टी को जिस प्रकार की है कि MP, MLA या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडी के एक मेंबर बनने की पोस्ट से जो है वो हटा दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो लोग दो बच्चे पैदा कर देते हैं। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल अभी आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, हम लोग को देखने को मिल रहा है राज्यसभा में, हालांकि मे भी शायद ये पास ना हो, और काफ़ी मतलब जगह से खबर आ रही है कि ये पास तो नहीं होने वाला है इस प्रकार का बिल। और इसमें ये भी बोला गया कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई 2 से ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं तो उनको उनको भी जो है वो कुछ चीज़ों का बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाएगा राइट। और इसमें ये भी बोला गया कि जो गरीब लोग हैं जिनको लोन्स वगैरह में और लोन्स के इंटरेस्ट वगैरह में सब्सिडी जो मिलती है राइट, तो वो भी नहीं दी जाएगी अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो राइट। इवन ये भी बोला गया है कि जो लोन्स वगैरह जो मिलते हैं बैंक्स वगैरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया जाएगा नॉर्मल से, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आई गई हैं। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी लाभ नहीं मिलेगा, उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, PDS के थ्रू जो सस्ते रेट में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को चावल दाल वगैरह मिल जाते हैं तो वो भी नहीं मिलेगा।
तो ऐसा कुछ बिल जो है वो लाया गया। और ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी वजह ये है गाइस कि अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स हमने देखी यूनाइटेड नेशन की, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको उसके बारे में बताया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में, जिसमें हमने बात करी थी कि इंडिया 2027 में चाइना को ओवरटेक कर देगा और दुनिया की वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। इसके बारे में बात करी, हमने बोला भी था, हमने बात भी करी थी कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इंडिया के अंदर हमने देखा कि 72 डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट 4 चिल्ड्रन पर वुमेन से ज़्यादा है, यानी कि एक महिला जो है वो 4 से ज़्यादा बच्चों को बर्थ दे रही है और 72 डिस्ट्रिक्ट में ही आया है, राइट। और रीजनल इम्बैलेंस कुछ इस प्रकार का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बिल जो है वो लाया जा रहा है। दोस्तों अब टेनेंसी लॉ का एक ड्राफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक ड्राफ्ट निकाला है, रिलीज किया है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 का, जिसमें रेंटल हाउसिंग को रेगुलेट करने की बात की जा रही है। तो देखो गाइस, जो लोग रेंट पे मकान देते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे किराएदार होते हैं जो कि मकान पे कब्जा बना लेते हैं, या फिर हम लोग को कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो किराएदार जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो मकान मालिक है उसके द्वारा। मकान मालिक बोलता है कि 6-6 महीने का किराया एडवांस में उससे ले लेता है और उनको थोड़े समय के बाद परेशान करने लगता है किराया बढ़ाने के लिए, और इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ें ना हो और एक प्रॉपर रेगुलेशन हो रेंटल हाउसिंग में, तो उसके लिए ये ड्राफ्ट जो है वो अभी रिलीज़ किया गया, राइट। तो इसमें बताया जा रहा है कि एडजुडिकेशन मैकेनिज्म जो है वो लाया जाएगा डिस्प्यूट्स वगैरह के लिए, एक बेसिकली रेंट कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा और रेंट ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे कि डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं वो तेज़ी से जो है वो सॉल्व हो सकें, रिड्रेस हो सकें और इंटरेस्ट जो है ओनर और टेनेंट का वो बैलेंस हो सके, राइट। अब देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो है वो बिना एग्रीमेंट के रेंट पे जो है वो मकान नहीं ले सकता, ना कोई दे सकता है। तो इस प्रकार की भी चीज़ यहाँ पर सामने लाई जा रही हैं, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो, तो प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो मकान किराए पे दिया जाएगा या लिया जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग को लीगलाइज तरीके से देखने को मिल रही है, बेटर रेंटल रेगुलेशन पर्पस के लिए। और इसमें बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो ले लेते हैं जो लैंड ओनर्स जो होते हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भी ले लेते हैं, 6-6 महीने की ले लेते हैं, 1-1 साल की ले लेते हैं। तो बोला कि ऐसा नहीं होगा, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने से ज़्यादा की नहीं ली जाएगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए और 1 महीने से ज़्यादा नहीं ली जाएगी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। तो ये वाली बात भी यहाँ पर बताई जा रही है। और रिपेयर्स के लिए जो पैसा डिडक्ट होता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से किया जा सकता है या फिर रेंट से डिडक्ट किया जा सकता है, ये वाली बात बोली जा रही है। और अगर टेनेंट जो है वो खाली करने से मना कर देता है तो लैंडलॉर्ड जो है वो डबल मंथली रेंट जो है वो 2 महीने के लिए उससे चार्ज कर सकता है, क्लेम कर सकता है, और 2 महीने में फिर से वो अगर खाली नहीं करता है तो 4 महीने के लिए चार्ज कर सकता है। बट वो कब खाली करना है तो उसकी भी पूरी प्रॉपर प्रोविजंस वगैरह उस एग्रीमेंट में मौजूद किया जाएगा एग्रीमेंट करवाने से पहले। और इसके फायदे ये होंगे जो हाउसिंग फॉर ऑल जो है 2022 का गवर्नमेंट का मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत, कि सभी लोगों को घर सभी लोगों की छत होनी चाहिए, सभी लोगों के पास छत होनी चाहिए रहने के लिए। ऐसे ही सेम टारगेट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो यानी कि सभी इंडिविजुअल को शेल्टर मिलना चाहिए, कोई भी रोड वगैरह पे नहीं सोना चाहिए, इस प्रकार का एक गोल हम लोग को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी देखने को मिलता है। तो उसी के रिजल्ट के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 की बात करेंगे इस, तो मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 जो है ये पार्लियामेंट के अंदर जो है वो प्लेस किया है और अमेंड किया जा रहा है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को और फोकस किया जा रहा है रोड सेफ्टी के ऊपर कि रोड सेफ्टी को बढ़ाया जाए। इसमें बताया जा रहा है कि मिनिमम कंपनसेशन जो है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है हिट एंड रन केस में, और अगर हिट एंड रन केस में एक इंडिविजुअल की मृत्यु हो जाती है तो 25,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक जो है वो कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर कोई बहुत ग्रीवियसली इंजर्ड होता है तो उसको 12,500 रुपये से 50,000 रुपये तक दिए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर कोई ऑफेंड करता है, जैसे कि अगर दारू पी के गाड़ी चला रहा है, कोई ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको उसकी पेनल्टीज़ भी बढ़ाई जा रही हैं, राइट। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बिल जो है वो इनेबल करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बना सकती हैं कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए, कि अगर रोड एक्सीडेंट विक्टिम जो होते हैं उनका कैशलेस ट्रीटमेंट हो, यानी कि कहीं पर भी उनसे पैसे चार्ज नहीं किया जाए, पहले उनका ट्रीटमेंट हो गोल्डन आवर्स के समय पे। गोल्डन आवर कौन से आवर होते हैं, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके 60 मिनट एक्सीडेंट होने से 60 मिनट तक का जो टाइम होता है, 1 घंटे तक का टाइम होता है, वो गोल्डन आवर पीरियड होता है। इस 1 घंटे में एक इंडिविजुअल को बचाया जा सकता है, राइट। अगर कोई क्रिटिकली डैमेज्ड हो तो उसको बचाया जा सकता है बोला जाता है, और इसी को गोल्डन आवर बोलते हैं। और अगर कोई भी इंडिविजुअल गोल्डन आवर के समय पे जो मदद करता है विक्टिम की, तो उसको गुड समरितन बोला जाता है,
राइट। और इस बिल के अंदर गुड समरितन की भी डेफिनेशन मौजूद है, और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि गुड समरितन जो है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर कोई विक्टिम को लेकर आ रहा है और हॉस्पिटल आते आते उस विक्टिम की मृत्यु हो जाती है तो उसका दोष गुड समरितन को नहीं दिया जाएगा और ना ही उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोर्ट वगैरह की भी अगर बात होती है कि अगर उसको कोर्ट में हाजिर होना है राइट गुड समरितन को, तो उसको जो है वो प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा और ये कंपनसेशन डिसाइड करेगी मैजिस्ट्रेट राइट कि उनको जब बुला रहे हैं कोर्ट में तो यानी कि अपनी ऑफिस छोड़ के अगर वो कोर्ट में आएंगे अपना टाइम देंगे तो उनको कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। इजी तरीके से ये समझो आप। और गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम भी हम लोग को देखने को मिलती है, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है इस बिल के थ्रू कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से ये पैसा निकाला जाएगा और इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लाया जाएगा जिसके चलते रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को या फिर रोड यूजर्स को जो है इंश्योरेंस कवर जो है वो कंपलसरी बेसिस पर प्रोवाइड करने की बात हो रही है राइट। तो ये है। और नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को भी प्रपोजल रखा है कि ये बोर्ड होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करे रिलेटेड टू सभी प्रकार की रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल किया है इस पर्टिकुलर बिल ने कि वो मोटर व्हीकल ऑर्डर को रिकॉल कर सकते हैं, यानी कि अगर मोटर व्हीकल के अंदर कोई भी डिफेक्ट होता है या कोई भी हार्म होता है एनवायरमेंट को उस व्हीकल से तो रिकॉल किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरर्स को कहा जा सकता है कि जितनी भी व्हीकल आपकी मार्केट में हो उसका वापस अपने पास जो है वो बुलवाओ, जैसे फॉक्स वैगन के केस में भी कुछ समय पहले हुआ था हम लोग को देखने को मिला था। और कस्टमर को फुल कंपनसेशन दिया जाए राइट, या फिर उसको फॉल्टी व्हीकल कस्टमर से लेकर उसको न्यू ब्रांड न्यू व्हीकल जो है वो दे दिया जाए राइट। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर व्हीकल में कोई जो है डिफॉल्ट्स वगैरह होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो मैन्युफैक्चरर्स को रिकॉल करने का ऑर्डर दे सकते हैं। अब देखो RTI अमेंडमेंट बिल 2019 की बात हो रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019, तो ये पास कर दिया गया है पार्लियामेंट में जब राज्यसभा से ये पास हुआ था उसके बाद। तो देखो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं तो उनकी सैलरी उनके टर्म्स और उनकी जो दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन कर सकती है। तो गाइज इसमें अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है, वो बोल रही है कि अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के पास एक्ट के तहत चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटरमाइन करने की उनकी सैलरी को डिटरमाइन करने की अगर पावर सेंट्रल के पास आ जाती है तो सेंटर इसका गलत उपयोग कर सकती है। और बोला ये भी जा रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्शन से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसको वीक किया जा रहा है इस अमेंडमेंट से बेसिकली। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की बात करें गाइज तो इसने रिप्लेस किया है फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002 को। मेन मकसद ये है कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को प्रोवाइड कराना, एक ऐसी अथॉरिटी सेटअप करना जो कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सिटीजन को प्रोवाइड करा सके। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो एक लीगल राइट है सभी सिटीजन का, ये वाली चीज़ भी याद रखिएगा आप। और अथॉरिटी जो होती है अगर कोई भी सिटीजन अगर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से या पर्टिकुलर अथॉरिटी से RTI लगाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन सीक करते हैं तो जिस दिन से उन्होंने RTI लगाई उस दिन से लेकर 30 दिन के पीरियड के बीच में उनको इन्फॉर्मेशन देना अनिवार्य होता है। और अगर नहीं दी जाती है तो उनको लिखित में जो है वो बताया जाता है कि उनको क्यों नहीं मिली है कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को 3-language फॉर्मूला जो है वो पसंद नहीं आ रहा है तो उसको लेकर रिटेलिएशन हम लोग को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिल रहा है। तो देखो अभी पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट के बारे में राइट, जो कि रिलीज हुआ था और उसमें मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में कि तमिलनाडु और सदर्न स्टेट्स जो है वो पसंद नहीं कर रही हैं इस ड्राफ्ट को, 3-language पॉलिसी को, फॉर्मूला को राइट। तो ये 3-language फॉर्मूला जो है वो 1961 से हम लोग को देखने को मिलता है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आई थी उसमें 3-language फॉर्मूला जो है जिसमें बताया गया था कि थर्ड लैंग्वेज जो होगी अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी ये पढ़ाई जाएगी, यानी कि जो मॉडर्न इंडिया की थर्ड लैंग्वेज जो होगी ये एजुकेशन सिस्टम में और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जो है वो यूज़ की जाएगी। और जो स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी जो है वो यूज़ नहीं की जाती, जैसे कि सदर्न स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज नहीं बोली जाती राइट, तो इसमें बोला गया है कि इंग्लिश और उनकी रीजनल लैंग्वेज प्लस हिंदी जो है वो पढ़ाई जाएगी। तो इसमें हिंदी जो है वो सदर्न एरियाज के लिए जो है वो ऐड कर दी गई थी कंपलसरी 1968 में कर दी गई थी राइट, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। फिर इसको कोठारी कमीशन ने जो है वो फिर इसको अमेंड किया, इस फॉर्मूला को ऑल्टर किया हम लोग को देखने को मिला। और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि 3-language पॉलिसी में जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है एक तो मदर लैंग्वेज हो गई जो रीजनल लैंग्वेज हो सकती है राइट, सेकेंड लैंग्वेज जो होती है वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए इंग्लिश हो सकती है या फिर कोई भी दूसरी मॉडर्न इंडिया की लैंग्वेज, और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए या तो इंग्लिश या तो हिंदी राइट। तो ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पर होती है। और थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो देखो एक एक रीजनल लैंग्वेज हो गई, एक हिंदी हो गई
और एक इंग्लिश हो गई, ये सेकंड लैंग्वेज हम लोग को देखने को मिलती है। आप कह सकते हो हिंदी और इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में आ गई है। अब थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो है गाइस, तो इन्होंने अगर एक सेकंड लैंग्वेज को एक चुन लिया, जैसे कि अब यहां पर डिफिकल्टी क्या आ रही थी आप उसको समझो, आप नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए बेसिकली। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई जो सदर्न स्टेट्स है उनकी रीजनल लैंग्वेज, जैसे तेलुगु मान लेते हैं, अब तेलुगु उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, सेकंड लैंग्वेज बोला है कि या तो हिंदी रख सकते हैं या तो इंग्लिश रख सकते हैं, तो इनने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रख ली। अब थर्ड लैंग्वेज इनको कंपलसरी जो है वो नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए ये बोला गया है कि उनको सेकंड लैंग्वेज तो वो नहीं चुनेंगे, उसके अलावा कोई और मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज चुन सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर स्ट्रेस डाला जा रहा है कि वो हिंदी चुने। तो इसको लेकर जो है वो अपोज कर रहे हैं सदर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स की गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। अब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की बात हो रही है, तो लोकसभा के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि 18,02,646 एलिजिबल पर्सन जो थे वो ये पोस्टल बैलेट सिस्टम के लिए एलिजिबल थे, और जिनमें से 10,84,266 वोट जो है वो हम लोग को पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू या ई पोस्टल बैलेट के थ्रू देखने को मिला है। तो ये क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की हेल्प से, और ये सर्विस वोटर्स के यूज के लिए पोस्टल बैलेट जो है वो यूज में लाया जाता है। देखो इजी तरीके से हम लोग क्या ये पोस्टल बैलेट, पोस्ट करके वोट देना एक चीज। अब ये पोस्ट के थ्रू वोट कौन दे सकता है, तो गाइस वो लोग जो लोग इंडिया के बाहर किसी सर्विस में, जैसे कि अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस अप्लाई करते हो या फिर आपको इंडियन फॉरेन सर्विस मिलती है, तो वहां पर आप क्या करोगे, आप दूसरी कंट्री में जाकर किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसी में सर्व करोगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, राइट। तो उसके लिए जब वोटिंग वगैरह होती है तो वोटिंग भी आपका अधिकार है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ई पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट दे सकते हो। और सेम विद द केस ऑफ पैरामिलिट्री ऑल्सो, पैरामिलिट्री हो गई, हमारी आर्म्ड फोर्सेज हो गई, जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं जो दूसरे अलग अलग जगह पर लोकेटेड होते हैं, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उससे दूर लोकेटेड होते हैं, तो उस समय भी उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है ये पोस्ट के थ्रू वोट देने की। बट एक चीज मेरी याद रखना गाइज, ये पोस्टल बैलेट जो होते हैं ना ये ओपन नहीं होते नॉर्मल, जैसे कि एक बार वोटिंग हुई इलेक्शन हो गए, ठीक है, इलेक्शन हुए वोटिंग हुई जनरल वोटिंग होगी, जनरल वोटिंग में आप गए बूथ में आपने वोट दिया, बट कुछ लोग होते हैं जो पोस्टल बैलेट्स के थ्रू वोट देते हैं, इनके वोट काउंट नहीं होते इकट्ठे, राइट, यानी कि इनके वोट इकट्ठे काउंट नहीं होंगे। इनके वोट कब काउंट होंगे, जब वोटिंग में बहुत, यानी कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में कुछ ही कम वोट्स का जो है वो डिफरेंस है, बहुत ही कम मात्रा, यानी कि माइनर लेवल का डिफरेंस है, तो उस समय खोले जाते हैं ये पोस्टल बैलेट्स, तब ये काउंट किया जाता है। तो एक बस ये वाली चीज याद रखना जो कि यहां पर लिखी हुई नहीं है बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए। और ये पूरा फुली सिक्योर्ड सिस्टम होता है, दो लेयर की इसमें सिक्योरिटी होती है, ओटीपी का इस्तेमाल होता है, पिन का इस्तेमाल होता है, इसमें बैलेट में क्यूआर कोड भी होता है कि डुप्लीकेसी से बचने के लिए, राइट। और जो मैंने आपको बताई दिया कि जो ऑफिशियल्स हैं जो हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस में इंडिया के बाहर डिप्लॉयड हैं, जैसे कि फॉरेन सर्विसेज के ऑफिशियल्स वगैरह, राइट, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं हमारी आर्म फोर्सेज हैं, तो उनके नौजवान वगैरह वहां पर रहते हैं। और इसमें प्रॉक्सी वोटिंग भी होती है, इसमें क्या होता है कि प्रॉक्सी वोटिंग के तहत कि जो पोस्टल बैलेट के थ्रू जो सर्विस वोटर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने किसी भाई को, अपने बहन को या उनके किसी भी बताए गए एक इंडिविजुअल जो है उसको अलॉट कर देते हैं कि मेरे बिहाफ में ये इंडिविजुअल जो है वो वोट डालेंगे हमारी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर, तो वो प्रॉक्सी वोटिंग भी होती है यहाँ पर, राइट। और इसमें एलिजिबल होते हैं सर्विस वोटर की वाइफ और ओवरसीज वोटर्स भी, ठीक है, तो यही चीज़ आप याद रखिएगा। और अब बताया जा रहा है एक और प्राइवेट बिल आया है, दो प्राइवेट बिल के बारे में हमने बात कर ली अभी आज ही आज में, और एक और प्राइवेट बिल आया है जिसमें बोला जा रहा है कि जो लिमिट लगी हुई है इलेक्शन में एक्सपेंडिचर की, यानी कि एक इंडिविजुअल 70 लाख से ज़्यादा इलेक्शन में एक्सपेंड नहीं कर सकता, यानी कि खर्चा नहीं कर सकता या कर सकती, तो ये बोला जा रहा है एक बिल के थ्रू कि ये एक्सपेंडिचर की जो लिमिट है उसको हटा दी जाए और इलेक्शन को लेकर स्टेट फंडिंग करे, यानी कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो फंड प्रोवाइड कराए इलेक्शन के लिए। तो ये वाली चीज एक सामने आई है, हालांकि ये अप्रूवल तो इसका होगा नहीं। और इसमें बताया जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें दो प्रपोजल रखे गए हैं, एक तो मैंने आपको एक्सपेंडिचर का इंडिविजुअल लेवल पे बता दिया, दूसरा ये बताया गया कि स्टेट जो है वो खुद से अपनी फंडिंग प्रोवाइड करे। इनका कहना यह है कि ये जिन लोगों के पास काला पैसा होता है वो लोग तो अच्छा खासा, यानी कि अपनी लिमिट के अंदर रहकर भी फिर भी वो खर्चा कर देते हैं, बट इसमें बोला गया कि जिन लोगों के पास काला पैसा नहीं है उनको काफ़ी परेशानी होती है। और दूसरी बात, इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना है तो लिमिट को हटा देना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें थोड़ी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। और बोला गया है कि जो नेशनल इलेक्शन फंड है उसी के थ्रू पार्टीज वगैरह को उनके प्रीवियस इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड फंडिंग जो है वो ऑफर की जाए, राइट। तो ऑलरेडी हमारे इतनी परेशानी चल रही है और फिर इलेक्शन के लिए अगर स्टेट खुद ब खुद फंड देगी तो ये काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है। इसमें आप पढ़ भी सकते हो, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और काफ़ी सारी कमिटीज़ में इसका जो है वो जिक्र हुआ था।
अब एक और प्राइवेट बिल फिर से आ गया हमारा कंपलसरी वोटिंग के लिए, बोला गया कि वोटिंग को कंपलसरी बनाया जाए, और इस वोटिंग को कंपलसरी बनाने के आइडिया को रिजेक्ट किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, राइट। और इवन दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है वो बनाई गई थी 1990 में, जिसने इसी चीज़ को लेकर जो है वो डिस्कशन भी किया था कि कंपलसरी को क्या, सॉरी वोटिंग को क्या कंपलसरी बना देना चाहिए, मैंडेटरी बना देना चाहिए। बट गाइस देखो, एक चीज़ इसके बेनिफिट तो ये है, एक तो ये हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगी, और जो जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं गाइस, जो पावर ग्रैब कर लेते हैं, तो उनको प्रिवेंट किया जाएगा, क्योंकि सभी लोग वोट करेंगे तो उसमें हम लोग को एक बेहतर चीज़ देखने को मिलेगी, राइट। और इसमें एक मेजर कंसर्न ये है कि ये लोगों के फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी और एक्सप्रेशन को वॉयलेट करेगी, राइट, जो कि सिटीजन को गारंटी दिया जाता है, सिटीजन के पास फ्रीडम है उसको एक्सप्रेस करने की, उसके पास फ्रीडम है, उसकी खुद की इच्छा, उसकी यानी कि लिबर्टी है उसके पास कि वो अपनी मन मर्जी से चाहे जो चाहे वो कर सकता है, और देयर एक्सेप्शन ऑल्सो, यानी कि क्राइम नहीं कर सकता वो, बट वो दूसरी चीज़ कर सकता है। तो उसके पास मतलब ये फंडामेंटल राइट है उसका कि उसको वोट देना है या नहीं देना, उसकी खुद की स्वयं की इच्छा है, फ्रीडम है उसकी, तो ये उसको वॉलेट करेगी, इस प्रकार की चीज़। हालांकि आई डोंट थिंक ये बिल जो है वो पास होगा, बट देन टू देखते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो पास होते हैं। अब इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 की बात की जा रही है, तो कैबिनेट ने इस बिल को जो है वो अप्रूव कर दिया है, अमेंड किया जा रहा है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को। इसमें बोला जा रहा है कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी जो कि क्या करेगी, इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं पानी को लेकर, जो स्टेट्स के बीच में जो है वो झगड़े चलते रहते हैं, तो उसको रिजॉल्व करेगी। इसमें बताया जा रहा है कि इसके मेंबर जो होंगे ये जो रेलिवेंट फील्ड के होंगे, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये करेगी, क्या बोलते हैं, नॉमिनेट करेगी। और इसमें ये बोला जा रहा है कि, और इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बताएगी कि इनके मेंबर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने चाहिए। और इसमें एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल यानी कि एक कोर्ट भी जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा, जहां पर ये जो ट्राइब्यूनल के अंदर डिस्प्यूट्स वगैरह को रिजॉल्व किया जाएगा। और इस ट्राइब्यूनल के अंदर एक चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, 6 से ज़्यादा नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अब इसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के जो ड्रॉबैक है उसमें ये बोला गया है कि इस ट्राइब्यूनल के अंदर कोई भी टाइम लिमिट जो है वो नहीं रखी गई है, कि और ना ही जो चेयरमैन है और उनके मेंबर है उनकी अपर एज कितनी होनी चाहिए वो भी मेंशन नहीं है। अब ट्राइब्यूनल बना दिया गया है, ट्राइब्यूनल जो है वो सालों साल तक अपना जजमेंट पास करेगा, तो ये वाली चीज़ होगी, तो इसमें स्पीडी जजमेंट वाली कोई सिनेरियो नहीं है, ये ड्रॉबैक आया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 की बात करेंगे इस, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल जो है वो लोकसभा में पास हुआ है। ये बिल के तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि जो कंज्यूमर से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स आती हैं, यानी कि मिसलीडिंग एक्ट्स की कंप्लेंट्स हो गई, या कोई भी यानी कि कंप्लेंट इसकी, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट वगैरह की कोई कंज्यूमर कंप्लेंट करते हैं, तो उन कंप्लेन का निवारण जो है वो तुरंत किया जाएगा और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो ग्रीवियंसेस जो फाइल करते हैं कंज्यूमर अपनी, तो उसकी प्रोसेस को ईज किया जा रहा है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है इस बिल का। और इसका मेजर एम यही है कि रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, टाइमली बेसिस पर और इफेक्टिव तरीके से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो एस्टैब्लिश यहाँ पर करने की बात की जा रही है, जो कि कंज्यूमर को, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, और जो भी इश्यूज होते हैं मिसलीडिंग एक्ट्स के, फेक एड वगैरह के, तो उस पर जो है वो निगरानी रखेगी, राइट। और इसमें यह भी बोला गया है कि डिस्प्यूट एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा, जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। पेनल्टीज वगैरह भी यहां पर रखी गई हैं कि कोई मिसलीड करता है, और इवन ब्रांड एम्बेसडर्स भी होते हैं, जैसे कि कई बार आप देखते हो कि कई सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो ऐड करते हैं, जैसे कि शाहिद कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान, तो ये लोग जिस ब्रांड को ऐड करते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट जो होता है अगर वो फेक होता है, यानी कि उस प्रोडक्ट से किसी इंडिविजुअल को नुकसान होता है, उसकी हेल्थ खराब होती है, तो इवन ब्रांड एम्बेसडर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, राइट। और साथ ही साथ वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के खिलाफ तो की जाएगी, और अगेन दोबारा से रिपीट होता है इस प्रकार का उनका ऑफेंस, तो उस पर उनका जुर्माना भी और बड़ा हो जाएगा, यानी कि 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा उनको सुनाई जा सकती है, राइट, रिपीटेड ऑफेंसेस के बाद। अब इंटरनेशनल रिलेशन नेक्स्ट पिलर आता है हमारा, यूकेरी मोबिलिटी प्रोग्राम की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा इंडिया और यूके के बीच में ये प्रोग्राम जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया और यूके ने एग्रीमेंट किया है यूकेरी मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू। इसमें फोकस किया जा रहा है कि इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में यूनाइटेड किंगडम के स्टूडेंट्स आकर पढ़ें, और यूनाइटेड किंगडम की जो फैकल्टीज वगैरह है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारी फैकल्टी को जो है वो कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए, और कुछ समय तक यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशन में आकर लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करें, जैसे कि हमारी फैकल्टीज उन फैकल्टी यूके की फैकल्टी को देखकर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो सीख सके।
और इंडियाज स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोग्राम जो है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, उसी को सपोर्ट किया जा रहा है इस यूकेरी इनिशिएटिव के थ्रू। यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेनेट है गाइस, इन्होंने पास किया है एक कानून जिसके चलते इंडिया जो है वो नाटो का अलाय बनेगा। जैसे कि इंडिया नाटो का अलाय है इसराइल और साउथ कोरिया, वैसे ही इंडिया भी इसका अलाय बनेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा गाइस कि इससे बताया जा रहा है कि 2020 के बाद से इंडिया को बहुत सारे डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो यूएसए के द्वारा दिए जाएंगे, राइट। और इंडिया और यूएसए के बीच में एक बेटर डिफेंस कॉपरेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। यूएसए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करेगा इसके बाद, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसको 4 अप्रैल 1949 को साइन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर हम लोग को ब्रसल बेल्जियम में देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन पैलेस्टीन रेफ्यूजी एजेंसी को इंडिया ने $5 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया है, यूनाइटेड नेशन पैलेस्टीन रेफ्यूजी एजेंसी को, राइट। और इस एजेंसी जो है गाइस जिसको क्रिएट किया था 1949 में, इसका मेजर मकसद था कि जो पैलेस्टीन रेफ्यूजीज हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कराए, उनको रिलीफ दे, उनको सपोर्ट करे, राइट। तो इसका मेजर मकसद ये हम लोग को देखने को मिला था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें गाइस, तो इसने डायरेक्शन दिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने जो कुलभूषण जाधव जी को जो अरेस्ट किया हुआ था और इंडिया को अलाउ नहीं कर रही थी, इंडियन कंसुलेट को अलाउ नहीं कर रही थी कि वो कुलभूषण जी से जाकर बात कर सकें, कंसल्ट कर सकें और उनको बेटर जो लॉ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करा सकें, यानी कि वकील वगैरह प्रोवाइड करा सकें, तो उसमें पाकिस्तान हम लोग को अलाउ नहीं कर रही थी। तो उसके बाद पूरा मामला आईसीजे के पास चला गया था और आईसीजे ने पाकिस्तान को बोल दिया कि इनकी डेथ पेनल्टी को जो है वो होल्ड किया जाए, स्टे लगाया जाए और इंडियन कंसुलर को अलाउ किया जाए कि वो कुलभूषण जाधव जी से आकर कॉन्टैक्ट कर सकें और उनको जो लॉ या लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करा सकें। और गाइस बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद ने आर्टिकल 36 जो है वियना कन्वेंशन ऑफ कंस्यूलर रिलेशन 1963 की, इसको वायलेट किया है क्योंकि इंडिया को इसने इन्फॉर्म नहीं किया था कि इन्होंने कुलभूषण जाधव जी को अरेस्ट कर लिया, राइट। और इंडिया को कम्युनिकेशन करने का मौका नहीं मिला कुलभूषण जाधव जी से, अलाउ नहीं किया कि इंडिया कुलभूषण जाधव जी से कम्युनिकेट कर सके और इवन उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करा सके, तो ये भी जो है वो इसने नहीं किया था। और इसीलिए आईसीजे ने फाइनली जो है वो बोल दिया है पाकिस्तान को कि कुलभूषण जाधव जी के मामले में इंडियन कंसुलेट्स को जो है वो अलाउ किया जाए कि वो उनसे जाकर मिल सकें। वियना कन्वेंशन की बात करें, एक इंटरनेशनल ट्रेटी है ये जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क को डिफाइन करती है इंडिपेंडेंट कंट्रीज के बीच में, साथ ही साथ इंश्योर करती है कि डिप्लोमेट्स जो है जो कि दूसरी कंट्री में जाकर सर्व कर रहे हैं, जैसे कि आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज को मतलब वो अगर आपको मिल जाएगी इंडियन फॉरेन सर्विसेज तो आप दूसरी कंट्री में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, तो आप वहां पर फ्रीली रह सको, आपको वहां की कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो परेशान ना करे, तो इसके लिए ये वियना कन्वेंशन जो है वो लाया गया था। तो ये एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी गारंटी प्रोवाइड कराता है, राइट। फॉर्मल लेवल पर एक गारंटी देता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की, राइट, ऑफिशियल्स वगैरह को जो दूसरी कंट्री में जाकर सर्व कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें गाइस, तो ये वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का और ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है यूएन का जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है, यानी कि यूएसए में लोकेटेड नहीं है, इकलौता ऐसा ऑर्गन है। और ये कहां पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये हेग नीदरलैंड में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये जितने भी इंटरनेशनल मामले जो होते हैं, राइट, तो वो कंट्रीज के बीच में, बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में, तो वो यहां पर सॉर्ट आउट होते हैं और जो मामले यूनाइटेड नेशन रेफर करती है वो यहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं आईसीजे में, राइट। और यहां इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है और इसमें 15 जजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, तो जो भी ऑर्डर या जो भी जजमेंट देती है आईसीजे, तो गाइस हालांकि वो जजमेंट जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता, बट देन टू इंटरनेशनल लेवल पर उसको काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है उस जजमेंट को। नॉन अलाइंग मूवमेंट की बात करें गाइस, तो मिनिस्टीरियल मीटिंग हम लोग को नॉन अलाइंग मूवमेंट की देखने को मिली थी, कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट की, और ये हुई थी वेनेजुएला की कैपिटल कैराकास में और इसकी थीम थी प्रमोशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पीस थ्रू रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंडिया के द्वारा जो इश्यूज रेज किए गए वो थे क्लाइमेट चेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेररिज्म। नाम की बात करें गाइस, तो बेलग्रेड में इसका फाउंडेशन किया गया था 1961 में। यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया, इन पांच कंट्रीज ने मिलकर इसका फाउंडेशन किया था नाम का, राइट। तो कोल्ड वॉर के समय इसका फाउंडेशन हुआ था, कोल्ड वॉर के समय काफ़ी सारी दो ग्रुप्स में पूरा वर्ल्ड जो है वो डिवाइड हो गया था, एक ग्रुप था यूएसए की तरफ, एक था यूएसएसआर की तरफ और तीसरा ग्रुप बनाया ये पांच कंट्रीज ने जिसको नाम दिया, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट नाम दिया। और ये ग्रुप जो था वो ये था कि ये ग्रुप जो है वो ना यूएसए की तरफ जाएगा, ना यूएसए को सपोर्ट करेगा, ना रशिया को, यूएसएसआर को सपोर्ट करेगा, राइट। तो ये इस प्रकार का ग्रुप था, न्यूट्रल ग्रुप जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं।
अब सोशल जस्टिस पिलर आता है, पॉस्को एक्ट की बात की जा रही है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि अमेंड किया जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 को, और इसमें जो भी इंडिविजुअल जो बच्चों के अगेंस्ट जो है वो सेक्सुअल क्राइम कमिट करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इंक्लूडिंग डेथ पेनाल्टी ऑल्सो। और इसमें बोला गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी सजा और फाइन जो है वो लगाने की बात की जा रही है। इसमें जो सेक्सुअल ऑफेंस से बच्चों को प्रोटेक्ट करने पर फोकस किया जा रहा है, स्पेशली इन केस ऑफ नेचुरल कलामिटी और जो भी दूसरी सिचुएशन वगैरह होती हैं, तो उन कंडीशंस में या सिचुएशन में बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट किया जाएगा। पॉस्को एक्ट की बात करेंगे इस 2012 के, तो इसमें फोकस यही किया गया था कि बच्चों को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है सेक्सुअल ऑफेंस से, सेक्सुअल अब्यूज से, तो उस पर ये कानून जो है वो बनाया गया था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसमें पुलिस जो होती है गाइस वो प्रोटेक्टर का रोल जो है वो प्ले करती हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करने का काम होता है उनका, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे ही जो एक्शन होता है इस प्रकार का, यानी कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है कि किसी बच्चे के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस तुरंत वहां पर जाकर बच्चे को प्रोटेक्ट करे और उसको बच्चे को एक बेटर केयर जो है वो ऑफर करे, राइट। और इसमें ये बोला गया है कि बच्चा दोबारा से जुडिशियल सिस्टम पे विक्टिम ना बन जाए, यानी कि आप जानते हो कि जुडिशरी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है पूछताछ की जाती है, अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है, तो जो बच्चियां होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स, उनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए होता है, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो ये बोला गया है कि कोर्ट वगैरह में भी या फिर जहां पर बच्चों को रखा जा रहा है वो एक चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, और जितना भी बच्चों की जो पेशियां होती है ट्रायल्स वगैरह होते हैं वो कैमरा में होने चाहिए, और बच्चों के लिए एक स्पेशल कोर्ट जो है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। और इसमें यह भी बोला गया है कि बच्चों की आइडेंटिफाई जो है वो रिवील नहीं की जाएगी, और एक साल के अंदर ही अंदर बच्चों के जो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड केसेस होते हैं, यानी कि जब क्राइम हुआ, क्राइम से एक साल के अंदर ही अंदर ये पूरा मामला जो है वो खत्म किया जाएगा, यानी कि कार्रवाई जो है वो फिनिश की जाएगी। तो ये भी यानी कि एक इसमें टाइम बाउंडिंग काइंड ऑफ थिंग हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल गई है। और इसमें बोला गया है कि ये लीगल ड्यूटी है किसी भी इंडिविजुअल की, अगर किसी को पता है कि किसी बच्चे के खिलाफ जो है वो सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, राइट, अब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है किसी बच्चे को, तो वो एक इंडिविजुअल की लीगल ड्यूटी है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, कंप्लेन करे। अगर वो नहीं करते हैं तो जिसने इन्फॉर्म नहीं किया है और पुलिस को पता लगता है कि इनको पता था कि बच्चे के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो जिसने इन्फॉर्म नहीं किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, बिकॉज दिस इज अ लीगल ड्यूटी, राइट। तो ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और डेफिनेशन बच्चों की रखी गई कि कोई भी बच्चा जो है अगर वो 18 साल से कम की उम्र का है तो या कम की उम्र की है तो उनको एज अ चाइल्ड जो है वो ट्रीट किया जाएगा, राइट। और चाइल्ड की डेफिनेशन अलग जगह हम लोग को अलग अलग देखने को मिलती है, एज परस्पेक्टिव से, जैसे कि लेबर लॉस की बात करें तो उसमें एक अलग चाइल्ड की डेफिनेशन है, राइट टू एजुकेशन की बात करें तो उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन अलग है, आप तो जानते होंगे इसके बारे में, राइट। तो इसमें ये वाली डेफिनेशन वाला क्लॉज भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ऑन टॉर्चर की यहाँ पर बात हो रही है, तो इंडिया ने रशिया और 42 कंट्रीज को और ज्वाइन किया है, और ये जनरल असेंबली के अंदर जो रेजोल्यूशन हुआ था ये टॉर्चर के ऊपर हम लोग को देखने को मिला था, जिसमें फोकस किया गया था कि टॉर्चर या कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उनका ट्रेड खत्म कर दिया जाएगा। तो इस पर इंडिया जो है वो पीछे हट गई है, राइट। और ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था रोमानिया के द्वारा, हम लोग को देखने को मिला था, और इंडिया ने बोला है कि इंडिया इस रेजोल्यूशन को जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर डेथ पेनाल्टी भी एक क्लॉज है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हम लोग को देखने को मिलती है, और 193 मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था और फोकस किया था कि टॉर्चर फ्री ट्रेड जो है वो होना चाहिए, और जो कन्वेंशन है टॉर्चर के अगेंस्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के नाम से, जो कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी है, जिसका मेजर मकसद यह है कि टॉर्चर्स या किसी भी प्रकार के जो क्रूअल एक्ट्स होते हैं, इनह्यूमन एक्ट्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करना, राइट। तो यहां पर ये UNCAT जो है गाइस, इसका मेजर मकसद यह है कि टॉर्चर को प्रिवेंट करना, टॉर्चर के किसी भी एक्ट को प्रिवेंट करना। तो अब इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये डेथ पेनाल्टी दी जाती है, राइट। तो इसीलिए इंडिया ऐसे कानून को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, और इंडिया, रशिया और 42 अदर नेशन जो है वो ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ये जो रेजोल्यूशन जो है गाइस, ये अडॉप्ट किया गया था या फिर UNCAT जो है हम लोग को कन्वेंशन जो हम लोग को देखने को मिलता है टॉर्चर को खत्म करने का, तो ये 1984 में अडॉप्ट किया गया था और ये 1987 में इसको लागू कर दिया गया था। और अभी का जो हम लोग को देखने को मिला कि एक और नया रेजोल्यूशन आया जिसमें ट्रेड को बंद करने की बात की जा रही है, कि जो भी प्रोडक्ट्स जो टॉर्चर के समय पे इस्तेमाल किए जाते हैं उसका ट्रेड नहीं होगा, तो इसको भी इंडिया सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि इंडिया के अंदर ये होता है डेथ पेनाल्टी दी जाती है, राइट। और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019 की बात करें तो पार्लियामेंट के द्वारा ये पास करवा दिया गया है, ये पर्टिकुलर बिल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट बिल 2019, जिनका मेजर मकसद ये है
कि जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, उनके अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया जाए, जैसे कि वो जल्दी से जल्दी अपॉइंट किए जा सकें, राइट। और अमेंड किया जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 को, और इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट कोड्स जो है वो इनेक्ट की जा रही है, लागू की जा रही है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। और इसमें ये बोला गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के गाइस, तो वो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बन सकते हैं, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन हाई कोर्ट के जज जो है वो बन सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट में जो है वो नई चीज़ ऐड की गई है। अब नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की बात करें गाइस, तो इस एक्ट में बोला गया था कि कोई भी दो पर्सन जिनको ह्यूमन राइट्स का नॉलेज होगा, राइट, तो उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट मतलब कमीशन के मेंबर के तौर पर। और इसमें बिल के अंदर ये भी प्रपोजल रखा गया कि टोटल अपॉइंटमेंट होगा 3 मेंबर्स का, जिनमें से एक मेंबर जो होंगी वो महिला होंगी, एटलीस्ट 1 मेंबर, राइट। और टर्म के बारे में बात करें, इनके टेन्योर के बारे में बात करें, तो इसमें नए कानून में यानी कि नए जो अमेंड किया जा रहा है ये बिल, तो उसमें बोला गया है कि कोई भी इंडिविजुअल का जो टेन्योर होगा, जो कि चेयरपर्सन होंगे या मेंबर होंगे, उनका 3 साल का मैक्सिमम टेन्योर होगा, और वो 70 साल की उम्र तक ये पोस्ट को चेयरपर्सन की या मेंबर की पोस्ट को जो है वो सर्व कर सकते हैं। और इससे पहले वाला जो कानून था उसमें था 5 सालों का पीरियड और 75 ईयर्स की एज, तो उसको घटाकर 5 साल से 3 साल का टेन्योर कर दिया है और 75 से 70 ईयर्स का मैक्सिमम एज का टेन्योर कर दिया है। इसमें यह भी बोला गया है कि जो चेयरपर्सन जो है वो रीअपॉइंट जो है वो किए जा सकते हैं, चाहे वो NHRC के हों, चाहे वो SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के हों। अब गाइस जनरल स्टडीज पेपर 3 की बात करें, तो पहला पिलर है इकोनॉमी का, तो इसमें सतलज यमुना लिंक कैनाल की बात हो रही है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें पंजाब हरियाणा और सेंटर को कहा है कि सतलज यमुना लिंक कैनाल से रिलेटेड जो इशू चल रहा है वाटर शेयरिंग का पंजाब और हरियाणा के बीच में, उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दिया जाए। और गाइस ये इशू काफ़ी पुराना है, और लिटरली इतना पुराना यानी कि 1966 का उतना पुराना ये इशू है। अब इस समय जब हरियाणा बना था, यानी कि आप जानते हो कि पहले पंजाब और हरियाणा एक ही थे, फिर 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तो उस समय ज़रूरत पड़ी हरियाणा को पानी की, और बोला गया, हरियाणा ने पंजाब से बोला कि उनको रावी और बीस का पानी चाहिए और उसके लिए कनाल जो है वो बनाया जाएगा, राइट। तो इसके बाद पंजाब ने मना कर दिया, पंजाब ने बोला कि वो रावी और बीस का पानी नहीं दे सकता हरियाणा को, क्योंकि पंजाब के पास फिर पानी नहीं बचेगा। तो ये एक इशू था। फिर सेंटर ने हस्तक्षेप किया 1976 में और एक ऑर्डर इशू किया जिसमें बोला कि हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट जो है वो दिया जाएगा अनडिवाइडेड पंजाब से, और पंजाब को 7.2 मिलियन एकड़ फीट जो है वो पानी दिया जाएगा। फिर इराडी ट्रिब्यूनल आई, इराडी ट्रिब्यूनल के हेड थे सुप्रीम कोर्ट के जज वी बालकृष्णन इराडी, राइट। तो इन्होंने फिर एक मतलब अपने जजमेंट दिया जिसमें इन्होंने बोला 1987 में कि हरियाणा और पंजाब का पानी बढ़ाया जाएगा 5 मिलियन एकड़ हेक्टेयर फीट और 3.83 मिलियन हेक्टेयर फीट जो है वो किया जाएगा। फिर उसके बाद वो पंजाब जो है वो उस पर नहीं मान रहा था, वो पानी वगैरह नहीं दे रहा था, वो इशू जो है वो चलता जा रहा था। फिर एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट जो है, यानी कि 3 स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में, ये नेगोशिएट किया गया जिसमें पंजाब की सबको जो है वो कुछ कुछ पानी जो है वो दिया जाएगा। फिर इसके बाद पंजाब असेंबली ने एक बिल जो है वो पास कर दिया 2004 में, एक कानून बन गया पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, जिसने इस जो ये नेगोशिएट किया गया था ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, तो इसको जो है वो उसने हटा दिया, इसने बोला कि मैं अब कोई पानी वानी जो है वो नहीं देने वाला। तो ये इशू चल रहा था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑर्डर पास कर दिया। तो ये कहानी थी पूरी ओवरऑल। अब प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 की बात की जा रही है, तो सेंटर की ये पेंशन स्कीम है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, और सेंटर ने नोटिफाई किया है और इंट्रोड्यूस किया है ट्रायल बेसिस में इस स्कीम को, और ये स्कीम सभी शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए है। और ये बताया जा रहा है कि जब वो 60 साल की उम्र के ऊपर के हो जाएंगे तो उनको मिनिमम 3,000 रुपये मंथली पेंशन जो है वो दी जाएगी, और इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के सभी शॉपकीपर, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है या रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। और इसमें एक कंडीशन ये है कि उनका GST टर्नओवर होना चाहिए 1.5 करोड़ से कम का इस पेंशन स्कीम में एनरोल करने के लिए, और उनके पास एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड जो है वो होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक मैचिंग कंट्रीब्यूशन करेगी सेम अमाउंट की जो कि सब्सक्राइबर का जो अमाउंट होगा, यानी कि पेंशन स्कीम के लिए कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, तो जितना प्रीमियम सब्सक्राइबर देंगे उतना ही सेम अमाउंट का प्रीमियम जो है जो डिसाइड किया जाएगा प्रीमियम, तो वो सेंटर के द्वारा भी दिया जाएगा। अब स्ट्राइड की बात हो रही है, स्ट्राइड जो है गाइस, स्ट्राइड का पहला फुल फॉर्म देख लो कि स्ट्राइड का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो अभी कहा गया इसका फुल फॉर्म, एक मिनट रुकिएगा। स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, तो ये स्ट्राइड है गाइस। अब नाम समझ में आ रहा है कि
इंडिया के अंदर रिसर्च वगैरह जो है वो की जाए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी वगैरह डेवलप हो सके। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया इनिशिएटिव ये स्ट्राइड का अनाउंस किया है हमारी कंट्री के अंदर रिसर्च कल्चर को बूस्ट करने के लिए। तो ये हमारी कंट्री के अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह को जो है वो सपोर्ट करेगी, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो युवा है, यंग टैलेंट जो है, उनके अंडर इनोवेशन की कैपेसिटी जो है वो डेवलप हो और रिसर्च करने की एक कल्चर जो है वो डेवलप हो, राइट, इस प्रकार से, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके और नेशनल डेवलपमेंट में ये मददगार हो सके इन फ्यूचर। तो इस प्रकार की चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें गाइस, तो इंडिया की रैंक 129 कंट्री में से हम लोग को देखने को मिल रही है कि इंप्रूव हो रही है, और इंडिया की रैंक बताई जा रही है 52, और लगातार काफ़ी सालों से इंडिया की रैंक जो है वो इंप्रूव होती हुई जा रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए जो है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का स्ट्राइड इनिशिएटिव आया है, वैसे ही काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, अटल इनोवेशन मिशन हो गए, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए इंडिया में देखने को मिल रही हैं। तो इसीलिए इंडिया की रैंकिंग जो है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव होती जा रही है, और ये 12वां एडिशन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। इसमें 80 इंडिकेटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल मेजरमेंट जैसे कि रिसर्च डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल पेटेंट, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, और साथ ही साथ जो नए इंडिकेटर्स हैं मोबाइल फोन एप्लीकेशन क्रिएशन, हाई टेक एक्सपोर्ट्स वगैरह, तो ये सब भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, राइट। तो 80 इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड ये रैंकिंग जो है वो रिलीज की जाती है, इशू की जाती है, जिसमें से फर्स्ट रैंक आई है स्विट्जरलैंड की, सेकंड स्वीडन, तीसरी यूएस, चौथी नीदरलैंड, पांचवी यूके एंड सो ऑन, तो ये सब रैंक है। और इंडिया की रैंक जो है वो 52nd हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और रिपोर्ट ने बताया है कि जो मेजर साइंस और टेक्नोलॉजी का क्लस्टर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी और इंडिया, ईरान, ब्राज़ील, रशियन फेडरेशन यानी कि रशिया और टर्की, ये टॉप 100 की लिस्ट में आ गई हैं, राइट। और टॉप 5 क्लस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, ये सिटीज़ के मामले में टोक्यो की जो योकोहामा जो जापान में हम लोग को देखने को मिलती है, और शेंजेन हांगकांग चाइना में हम लोग को देखने को मिलती है, सियोल कोरिया में देखने को मिलती है, और बीजिंग अगेन चाइना की, और यूनाइटेड स्टेट्स की सैन जोस सैन फ्रांसिस्को, राइट। तो ये 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लस्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एशियन इकोनॉमी की बात करें गाइस, तो मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं वो बहुत तेजी से कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्लोबल रिसर्च और डेवलपमेंट में, R&D में, और इस साल की थीम बताई जा रही है क्रिएटिंग हेल्दी लाइव्स द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन, यानी कि मेडिकल इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है कि कंट्री जो है वो मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल इनोवेशन पे ऊपर जो है वो काम करे। इंडिया की रैंक 52nd है, पिछले साल 2018 में 57 थी, और लिटरली 2015 में हमारी रैंक जो है वो 81 थी 2015 में। तो देखो कितना तेजी से हम लोग जो है वो इंप्रूव करते आ रहे हैं, 2016 में 66, 2017 में 60, फिर 57, तो कंटिन्यूअसली इंडिया जो है वो इंप्रूव कर रही है। और साउथ एशियन और सेंट्रल एशियन के मामले में इंडिया जो है वो मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और क्या वजह है इंडिया की रैंक इंप्रूव होने की, तो कुछ वजह मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी, कुछ वजह आप वीडियो को पॉज करके इसमें पढ़ सकते हो, जिससे कि आप मेंस में एक अच्छे आंसर जो है वो लिख सकें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें गाइस, तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वीपो के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, तो उनके साथ मिलकर और क्रॉनल यूनिवर्सिटी जो है और ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल इनसेट जो है, ये इनके द्वारा ये पब्लिश की जाती है रिपोर्ट, राइट, इसकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, और 12th एडिशन इसका 2019 में हम लोग को देखने को मिला। सेंट्रल वेलफेयर डेटाबेस ऑफ सिटीजन की बात करें गाइस, तो बहुत सारे डेटा को जो है वो मर्ज करने की अब बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर एक सजेशन हम लोग को देखने को मिला इकोनॉमिक सर्वे का, जिसमें बताया गया कि काफ़ी सारे डेटाज को अब मर्ज किया जाएगा, जैसे कि काफ़ी अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग डेटा बनाती हैं, हेल्थ से रिलेटेड अलग डेटा होता है, टैक्स का रिकॉर्ड अलग होता है, पेंशन से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड अलग अलग सर्वेज होते हैं, सेंसस डेटाज होते हैं, नेशनल सैम्पल सर्वे डेटा होता है, ट्रांजेक्शन डेटा होते हैं, जैसे कि मतलब ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट डेटा, UPI डेटा, इंस्टीट्यूशनल डेटा, पब्लिक हॉस्पिटल डेटा ऑन पेशेंट्स वगैरह। तो ऐसे जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो डेटा प्रिपेयर किए जाते हैं, इन सभी डेटा को एक करने की बात की जा रही है, एक ही जगह रखने की बात की जा रही है, जिससे कि पॉलिसी मेकर्स वगैरह एक बेटर पॉलिसीज वगैरह सभी डेटा को देखकर बना सकें, राइट। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स को भी एक्सेस दिया जाएगा कुछ चार्जेस लेकर, कुछ फीस लेकर, कुछ डेटा वगैरह का प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह की, वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में। इस न्यूज़ की बात करें तो मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क ने एक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है, इस कैंपेन का नाम है पोर्ट इंटीग्रिटी कैंपेन। इसका मकसद ये है कि पोर्ट में जो सामान जो होता है गाइस, जैसे कि बहुत समय जो लगता है पोर्ट में सामान को ऑनलोड होने से और फिर ऑफलोड होने के बाद जो हम लोग को टाइम जो ड्यूरेशन देखने को मिलती है, और बीच में जो काफ़ी सारे करप्टेड ऑफिशियल्स हम लोग को जो देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी सारा पैसा जो है वो चार्ज करते हैं बेजबरन में, आप जानते हो करप्शन वगैरह हम लोग को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसा ना हो इसलिए मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के द्वारा एक कैंपेन
अनाउंस किया गया है जिसका नाम है पोर्ट इंटीग्रिटी कैंपेन, जो कि ट्रेड को फास्ट करने के लिए और जो ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं पोर्ट में तो उनको बेटर ट्रेनिंग देने के लिए, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी सामान माल जो है वो ऑनलोड कर सकें और ऑफलोड कर सकें और उस पर कोई भी बाधा जो है वो ना आए, राइट। अब देखिए ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने अप्रूवल दिया है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम का और 3 ट्रेड प्रमोशन सेंटर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम के अंदर आएंगे, यानी कि टाइज के अंदर आएंगे, और ये 3 सेंटर्स जो होंगे वो मणिपुर, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में हम लोग को लोकेटेड देखने को मिलेंगे। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम की बात करें, देखो गाइज आज की डेट में टारगेट यही चल रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी जो स्लोडाउन चल रही है उसको जल्दी से जल्दी फास्ट करना है, रिवाइव करना है हमारी इकोनॉमी को, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने की आवश्यकता है। तो आज की डेट में 2 मेजर जो चैलेंजेस है वो है, एक तो इकोनॉमी स्लोडाउन को रिवाइव करना और दूसरा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट जो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रही है उसको रिड्यूस करना, राइट। तो उसी को लेकर ये टाइज हम लोग को देखने को मिल रही है, और टाइज की अगर बात करें तो ये एक स्कीम है जो कि पहले हुआ करती थी, एक असिस्टेंस टू स्टेट फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, तो ASIDE या ए साइड स्कीम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसको रिप्लेस किया है टाइज ने। टाइज का ऑब्जेक्टिव यही है कि एक्सपोर्ट को एनहेंस किया जाए, फोकस किया जाए एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम लोग को देखने को मिले और फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो बरकरार रहे, राइट। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो सेंट्रल और स्टेट एजेंसी जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जिसमें इंक्लूडेड है कमोडिटीज बोर्ड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटीज, एपेक्स ट्रेड बॉडीज जो कि रिकॉग्नाइज होती हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये कुछ बॉडीज हैं और जो सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज हैं ये एलिजिबल होती हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इस स्कीम के अंदर। और गाइस फाइनेंशियल सपोर्ट किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज के लिए, कि पोर्ट्स वगैरह में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे कि एक्सपोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी हो सके, राइट। अब बात हो रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के लॉन्च का, और इसमें फोकस किया जा रहा है कि जो रूरल एरियाज हैं गाइस, गांव क्षेत्र जो हैं वो कनेक्ट हो सकें, बेटर रोड कनेक्टिविटी उनमें हम लोग को देखने को मिल सके, और जो हॉस्पिटल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं, तो उनसे इनको कनेक्ट किया जा सकते जा सके। और आपको पता ही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, और इसमें आपको ज़्यादा डेटाज वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि कितने किलोमीटर का रोड बन रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस लिए बनाई गई है और उसका बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका फेज 3 का अप्रूवल जो है वो अभी मिल चुका है, राइट। अब नेक्स्ट आ रहा है वाटर ग्रिड्स के बारे में, तो देखो गाइस वाटर ग्रिड्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं पावर ग्रिड्स की लाइन के ऊपर, और ये वन नेशन वन ग्रिड का कंसेप्ट जो है गवर्नमेंट का उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया जा रहा है। और नेशनल ग्रिड क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ग्रिड्स होते हैं, जैसे कि ग्रिड्स को ईजी तरीके से आप समझने के लिए याद रखना खंबे जो होते हैं हमारे घर में, जो खंबों से इलेक्ट्रिसिटी घर तक आती है आप जानते ही हो, तो वैसे ही यहाँ पर जो पावर स्टेशंस जो होते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, और जो अलग अलग पावर स्टेशंस हैं हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पर, तो उनको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है जिससे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग को देखने को मिल सके। और नेशनल ग्रिड की बेनिफिट क्या है गाइस, तो ये लेसर पावर कट्स इसके थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगा और पावर में स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार होती हुई नजर आएगी। सिल्क समाग्र के बारे में बात करें, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये सिल्क समाग्र, और ये इसमें सेरीकल्चर जो है गाइस उसको डेवलप किया जा रहा है हमारी कंट्री में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2161 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किए गए हैं अगले 3 सालों के लिए, यानी कि 2017 से 2020 के पीरियड के लिए जो है वो सिल्क सेक्टर, या फिर मैं बोलूँ सेरीकल्चर को डेवलप करने के लिए जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। और इसमें एक सिल्क बोर्ड भी, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा जो कि सिल्क की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, और हम लोग जो सिल्क को इंपोर्ट कराते हैं उसकी डिपेंडेंसी भी रिड्यूस होगी क्योंकि हमारे इंडिया में ही सिल्क सेक्टर को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। इसके 4 कंपोनेंट है, रिसर्च डेवलपमेंट ट्रेनिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड IT इनिशिएटिव, सीड ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, और क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम, या फिर एक्सपोर्ट ब्रांड प्रमोशन। और हम लोग फोकस ये भी करना है कि डोमेस्टिकली हम लोग सिल्क सेक्टर को इतना ज़्यादा बेटर बना पाएं कि हम लोग सिल्क को एक्सपोर्ट करें। और सिल्क कौन सी है गाइस हमारे इंडिया में, तो 5 मेजर टाइप्स हैं कमर्शियल सिल्क की, मलबरी, ओक, सार, ट्रॉपिकल सार, मूगा और इरी। और इसमें से सिर्फ मलबरी को छोड़कर जो नॉन मलबरी वेराइटीज़ हैं सिल्क की वो पूरी वाइल्ड है हम लोग को देखने को, यानी वाइल्ड सिल्क हम लोग को देखने को मिलती है। और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा सिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है, और फेमस सिल्क वेविंग एनक्लेव जो है, जैसे कि कांचीपुरम साड़ीज़ वगैरह का आप नाम सुना होगा, कांचीपुरम सिल्क साड़ीज़ वगैरह, और इसके अलावा धर्मवरम और अरनी, तो ये फेमस सिल्क वीविंग एनक्लेव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 14 खरीफ क्रॉप के लिए। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होते हैं गाइस, कि मिनिमम वैल्यू जिसमें जो कि फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ वैल्यू सेट करती है, जैसे कि कोई भी
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी एक वैल्यू सेट की जाती है, मिनिमम वैल्यू, कि कम से कम इतने में तो ये मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा, जिससे कि फार्मर को कोई एक्सप्लॉइट ना करे और फार्मर इतने मिनिमम वैल्यू में तो बेचे। मैक्सिमम का कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ मिनिमम प्राइस सेट की जाती है जिससे फार्मर की इनकम को अश्योर किया जाता है। और आप जानते हैं कि एक टारगेट भी है गवर्नमेंट का कि 2022 तक फार्मर की इनकम को जो है वो डबल करना है, राइट। अब देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। और ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस जो है CACP, इसके रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड ये प्राइस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा, एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि अनाउंस करती है एमएसपी को, और दूसरा है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, राइट। अब देखिए गाइस दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, इकोनॉमिक सर्वे 2018 और 19 जो रिलीज हुआ था, और दूसरा है बजट। और ये दोनों ही चीज हमारे आपको लेक्चर, यानी कि आप चैनल पे जाएंगे तो उसके वीडियो की प्लेलिस्ट में ज्ञान सर ने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी काफी डिटेल में एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है जिसको काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसको आप देखिएगा। और दूसरा जो है वो बजट 2019 आपको जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो ये दो मैं चाहूंगा कि आप दो ये वीडियो जो है वो अलग से देखें, क्योंकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अलग से वीडियो बनाया हुआ है और वो ऑलरेडी 40-50 मिनट का एक सिंगल वीडियो देखने को मिलता है। तो अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखा है और हमारे बजट को नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, उस वीडियो में आपको बेटर तरीके से क्लैरिटी होगी। और हालांकि अगर आप फिर से दोबारा रिवाइज करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये हमारी स्लाइड को जो है वो आप देख सकते हैं, राइट। और दूसरा है यूनियन बजट 2019 का, इसके इसमें आपको देखिए 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे कि यूनियन बजट वगैरह के, जैसे जन भागीदारी के बारे में बात की गई थी, इसमें ग्रीन मदर अर्थ को अचीव करना है, ब्लू स्काई को, पॉल्यूशन फ्री इंडिया जो है वो बनाना है, तो काफ़ी सारी स्कीम है, मिशन गगनयान है, चंद्रयान है, स्पेस सैटेलाइट जो प्रोग्राम हमारा इन फ्यूचर हम लोग को देखने को मिलेगा, ब्लू इकोनॉमी को जो है वो हम लोग को डेवलप करना है, आयुष्मान भारत स्कीम, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाना है, तो ये सब चीज़ें जो है वो बजट में मेंशन है और उसका एक सेपरेट वीडियो है, मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये दो टॉपिक्स जो होते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट के, ये इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। हालांकि हम लोग ने ये पूरी चीज़ कवर कर रखी है, मैं दोबारा से रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है पूरा और उसमें और 1-1.5 घंटे का वीडियो जो है वो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए कई जब बात हो रही है कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में, तो पार्लियामेंट ने इस बिल को पास करा दिया है और इस बिल में फोकस किया जा रहा है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, और जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो कंप्लायंस है उसको टाइटन किया जाए, और साथ ही साथ रीकैटेगराइज किया जाए कुछ सिविल ऑफेंसेस को और स्पेसिफिक ऑफेंसेस को, सिविल ऑफेंस की तरह हम लोग को देखने को मिल रहा है, और कई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ट्रांसफर की जाए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को। और इसमें मेजर फोकस रखा है CSR स्पेंडिंग को लेकर कि कंपनीज जो होती हैं वो जो कि CSR जो होता है यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में आपको पता होगा कि कंपनी जो है वो सोसाइटी के लिए कुछ करती है, तो इसमें कई सारी ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंप्लायंस को जो है वो फुलफिल नहीं करती हैं और वो खर्चा नहीं करती हैं, तो जो अनस्पेंट मनी जो होता है उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट जो है वो बनाने की बात की जा रही है इस बिल के अंडर। और कंपनी अमेंडमेंट बिल 2019 ने हाईलाइट किया है कि कंपनी जो कि 5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट करती है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का हम लोग को देखने को मिलता है, और जिस कंट्री की नेटवर्थ कंपनी की नेटवर्थ हम लोग को 500 करोड़ से ज़्यादा की देखने को मिलती है, तो उनको एटलीस्ट 2% पिछले 3 सालों के प्रॉफिट से निकाल कर, एवरेज प्रॉफिट से यानी कि एवरेज नेट प्रॉफिट से निकाल कर CSR एक्टिविटी के लिए जो है वो खर्च करना पड़ता है, और कई सारी कंपनी ऐसा नहीं करती हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर कुछ टाइटन रूल जो है वो लेकर आए गए हैं। और रजिस्ट्रार जो होते हैं कंपनी के उनको स्पेशल पावर दी जा रही है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसी कंपनी के खिलाफ लें जो कंपनी कानून को प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं कर रही है या फिर CSR के कंप्लायंस को जो है वो फॉलो नहीं कर रही है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को इसमें देखने को मिल रही है। और 16 माइनर ऑफेंस है गाइस, उनको रीकैटेगराइज किया जा रहा है एज अ सिविल डिफॉल्ट की तरह, और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि वो जो ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें डील कर सकें, राइट। अब देखिए वेजेस को लेकर नए कोड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है न्यू वेज कोड बिल को, और इंश्योर किया जा रहा है कि मिनिमम वेजेस हमारी कंट्री में सभी सेक्टर्स के लिए मिनिमम वेजेस कि कम से कम इतना तो जो है वो एम्प्लॉय को दिया जाएगा। और इसमें 4 लेबर रिलेटेड जो लॉज हैं जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, इनको कंसोलिडेट किया जा रहा है इस नए लेबर कोड ऑन वेज बिल के ऊपर। और इसमें सेंटर को एम्पावर किया जा रहा है कि वो मिनिमम वेजेस जो है वो सेट कर सकते हैं, और स्टेट को कहा जा रहा है कि स्टेट जो वेजेस जो सेट करते हैं तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो सेंटर ने जो मिनिमम वेजेस सेट किया है उससे नीचे वो नहीं करेंगे, उससे हायर वेजेस ही उनको सेट जो है वो करना पड़ेगा, राइट। और एट प्रेजेंट हम लोग देखते हैं कि मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स किए जाते हैं सेंटर और स्टेट के द्वारा, और इसमें उन्हीं वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स किए जाते हैं जिन वर्कर्स की सैलरी 18,000 रुपये पर मंथ तक की होती है,
राइट, यानी कि 18,000 से पर मंथ के ऊपर की जो सैलरी जो लोग लेते हैं गाइज उनके लिए मिनिमम वेजेस सेट नहीं किए जाते। बट अब यहां पर नया जो वेज बिल सामने आ रहा है इसमें यह बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस जो है वो सेटअप किए जाएंगे इंक्लूडिंग दोज जिनको 18,000 से ऊपर सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने भी रिकमेंड किया था कि जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉ जो है उसको 4 या 5 लेबर कोड्स की कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया जाए, राइट, और फंक्शनल बेसिस के लिए यानी कि बेटर फंक्शनिंग वगैरह के लिए। और मिनिस्ट्री ने जो है वो स्टेप्स भी लिए हैं कि जो लेबर जो 4 लेबर कोड्स हैं जो मैंने भी आपको ऊपर बताए थे, 4 कानून अलग अलग वेजेस को लेकर, इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर और सेफ्टी को लेकर और वर्किंग कंडीशन को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा कैटेगराइज यहाँ पर करने की बात की जा रही है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पिलर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो बात हो रही है प्लून नेट के बारे में। प्लून नेट, तो देखो गाइस एक नया क्लास हम लोग को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का देखने को मिल रहा है प्लून नेट्स, और यहां पर ऑर्फेंड मून बताया जा रहा है, यानी कि ऐसे मून जो कि अपने पेरेंट प्लैनेट से, यानी कि जैसे धरती का जो मून हम लोग को एक सिंगल देखने को मिलता है, जुपिटर के काफी सारे मून है और सैटर्न के भी हम लोग को मून देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाइटन सैटर्न का लार्जेस्ट मून है, तो वैसे ही जो अलग अलग प्लैनेट्स के जो अलग अलग मून्स होते हैं और इनमें प्लून नेट उस कैटेगरी को बोला जा रहा है या फिर उस सेलेस्टियल बॉडी को डिफाइन किया जा रहा है जो अपने पेरेंट प्लैनेट से जो है वो अलग हो गई है, यानी कि उसके ऑर्बिट से जो है वो दूर चली गई है और उसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अब उसके नज़दीक नहीं है, यानी कि अब वो जो है वो अलग हो चुका है, वो एक अलग बॉडी जो है वो बन चुकी है। तो ऐसी जो बॉडी होती है वो प्लून नेट जो है वो बोली जाती है। अब जैसे जनरली हम लोग देखते हैं मून है, और अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो हमारी धरती का मून अभी हम लोग को हर दिन दिखाई देता है, राइट, या फिर हर रात दिखाई देता है आप कह सकते हो। तो जैसे अगर मून अलग हो जाए हमारी धरती से तो वो दूर हो जाएगा, फिर वो हम लोग को मे भी शायद दिखाई देगा, मे भी शायद नहीं दिखाई देगा, वो हमारी धरती के ग्रेविटेशनल पुल के कॉन्टैक्ट में नहीं होगा, राइट। तो ऐसे ही जो मून्स होते हैं जो कि अपने पेरेंट प्लैनेट से जो है वो अलग हो जाते हैं, तो ऐसे मून को प्लून नेट जो है वो नाम दिया गया है। तो ये वाली चीज़ आप याद रखिए, कभी कभी इस प्रकार के नाम जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि ये टर्म जो है वो भी न्यूज़ में था तो वो किससे रिलेटेड है ये बताइए, राइट। अब देखिए नासा के ड्रैगन फ्लाई रोबोट के बारे में बात हो रही है। नासा ने अनाउंस किया है एक नया मिशन सैटर्न के मून का जिसका नाम है टाइटन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सैटर्न का लार्जेस्ट मून है जिसका नाम है टाइटन, तो इसको स्टडी करने के लिए नासा ने एक नया मिशन जो है वो अनाउंस किया है 2026 के लिए, और ये अनमैन्ड न्यूक्लियर पावर ड्रोन होने वाला है ड्रैगन, यानी कि एक ड्रोन होगा, न्यूक्लियर पावर ड्रोन होगा ड्रैगन, ये सैटर्न के मून टाइटन पे जाएगा और वहां पर जाकर स्टडी करेगा। किस चीज की स्टडी करेगा? और लिटरली गाइस शॉक करने वाली बात ये है कि वहां पर जाकर वो एलियंस की स्टडी करेगा कि वहां पर एलियंस है कि नहीं है, वहां पर लाइफ है कि नहीं है, राइट। तो वो वहां पर जाकर ये सब चीजों को जो है वो थोड़ा स्टडी करने वाला है कि वहां पर लाइफ होने वाली है कि नहीं है सैटर्न के मून में, क्योंकि कई बार पहले भी हम लोग को कई सारे स्पेस क्राफ्ट के थ्रू ये भी पता लगा था कि मून में जो सैटर्न का जो मून है टाइटन वहाँ पर कुछ लाइफ होने की संभावना दिखाई गई थी, और क्वाइट पॉसिबल कई सारे लोगों ने इसको एलियन की थ्योरी से जो है वो रिलेट किया हुआ था। बट यू शुड नो अबाउट नासा के ड्रैगन फ्लाई के बारे में कि नासा का एक ड्रैगन फ्लाई है जो कि 2026 तक जो है वो ये लॉन्च करेगी और उसके बाद 2034 तक जो है ये अराउंड टाइटन पे पहुंच जाएगा और फिर वहाँ पर लाइफ के बारे में जो है वो स्टडी करेगा कि वहाँ पर लाइफ है कि नहीं, और इस प्रकार का कुछ दिखाई देगा ये नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन। और ये नासा के न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का ही एक पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, और न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम जो है नासा का इसमें प्लूटो प्रोब न्यू हॉरिजॉन भी इंक्लूडेड है, जुपिटर प्रोब जूनो भी इंक्लूडेड है, और ओसिरिस रेक्स एस्टेरॉइड मिशन भी इंक्लूडेड है। तो मैंने आपको ओसिरिस रेक्स के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये इसके कुछ न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के ही हिस्से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिनमें से एक जो पार्ट है वो ड्रैगन फ्लाई मिशन का हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखिए गाइस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है इंडिया हेल्थ ऑफ नेशंस स्टेट, और इसमें बताया जा रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि जो काफ़ी सारी जो मृत्यु हो रही है हमारी कंट्री में इंडिया में टोटल डेथ जो हो रही है, तो 2016 में 61.8% जो डेथ हम लोग को टोटल देखने को मिली थी, यानी कि ऑल ओवर डेथ में से 61.8% डेथ्स, और 1990 में ये डेथ का रेशियो जो था वो 37.9% था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के मामले में, राइट। तो इतनी ज़्यादा डेथ जो है वो बढ़ती जा रही है, और जो केरला गोवा तमिलनाडु है यहाँ पर कम से कम डेथ जो है वो रिकॉर्ड की जाती है कम्युनिकेबल मैटरनल न्यूनेटल और न्यूट्रिशनल डिजीज़ को लेकर। और रिस्क फैक्टर जो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, इसमें एजिंग भी हो सकता है, अनहेल्दी डाइट हो सकती है, जिसमें बोला ये जा रहा है कि अनहेल्दी डाइट आज की डेट में सबसे बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण डेथ होने का। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हार्ट अटैक जो है वो काफ़ी सारे लोगों को हो रहा है, कैंसर काफ़ी सारे लोगों को हो रहा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं हार्ट अटैक होना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के कारण प्रॉब्लम होना, डेथ हो जाना, और इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर भी काफ़ी सारे लोगों को हो रहा है, उसके कारण भी लोगों की डेथ हो रही है। तो ये सब बताया जा रहा है कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण होने वाली जो डेथ होती है वो आज की डेट में ज़्यादा बढ़ती जा रही है एज कम्पेयर टू कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण होने वाली डेथ से। और इसमें लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर,
हाई कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट, तो ये सब रिस्क फैक्टर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के। और इसमें मेजर क्या लिए जा रहे हैं, तो पब्लिक हेल्थ जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है मतलब ये सब डेथ को रिड्यूस करने के लिए, हेल्थ को बेटर करने के लिए। और नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर है, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक, जिसको NPCDCS के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये इंप्लीमेंट किया गया था और ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर हम लोग को देखने को मिला था। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से के कारण होने वाली जो डेथ है उनको रिड्यूस किया जाए और जल्दी से जल्दी लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जिससे कि उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण डेथ ना हो और अफोर्डेबल मेडिसिन जो है वो लोगों को मिल सके। इसके लिए हमारी जन औषधि केंद्र वगैरह जो है या फिर स्टोर्स वगैरह जो है वो ओपन किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, ये सेटअप किए गए हैं जिनमें कि जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है अफोर्डेबल प्राइसेस में। अब बात करें जेनरिक मेडिसिन के बारे में, तो आपको गाइस जेनरिक मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए। देखो दो मेडिसिन होती है, एक ब्रांडेड मेडिसिन, दूसरी जेनरिक मेडिसिन। अब ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू जेनरिक मेडिसिन। उसके पीछे का कारण ये होता है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है गाइस उसका पेटेंट करवाया जाता है और वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की जाती है मार्केट में। उसके पीछे काफ़ी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, सालों से साइंटिस्ट जो है वो उस मेडिसिन को बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं, उस मेडिसिन के ऊपर खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट का और वेरियस चीज़ों का, राइट। और जो जेनरिक मेडिसिन होती है उस जेनरिक मेडिसिन के पास ऑलरेडी पूरा कंटेंट होता है मेडिसिन बनाने का, क्योंकि उनके पीछे वो साइंटिस्ट जो है वो सालों से रिसर्च वगैरह नहीं कर रहे होते, तो इसलिए क्या होता है कि जो जेनरिक मेडिसिन की कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गाइस वो अमेंडमेंट जो है वो लेकर आने वाली है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में, जिसमें इंश्योर किया जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं यानी कि डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही प्रोवाइड कराएं, जिससे कि अफोर्डेबल तरीके से लोग जो है वो मेडिसिन परचेज कर सकें। क्योंकि आज की डेट में गाइस एक चीज़ और नोटिस की जा रही है कि लोग बाग जो है गाइस वो पॉवर्टी में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिजीज या फिर अनहेल्दी सिचुएशंस के कारण। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं गाइस कि आज की डेट में काफ़ी सारा जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और भी कई सारे इश्यूज हम लोग देख रहे हैं, खाने पीने में भी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि केमिकल्स के द्वारा बनाए गए जो सब्जियां होती हैं और इस प्रकार की चीज़ होती है और एनवायरनमेंट ऑलरेडी पोल्यूटेड होता जा रहा है, तो इसके चलते लोगों को वेरियस प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप होती जा रही हैं। और इसके बाद जब ये हॉस्पिटल जाते हैं सही होने के लिए, तो वहाँ पर डॉक्टर उनको काफ़ी महंगी महंगी दवाइयाँ जो है वो लिख देते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन लिख देते हैं, जिसके चलते उन लोग को वो परचेज करनी पड़ती है। और इवन लिटरली ये कहा जाता है कि कई सारे लोग जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल हर साल जो है वो पॉवर्टी में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ इशूज़, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को सामने नजर आती है और इसी चीज़ को रोकने के लिए सरकार जो है वो इस प्रकार की चीज़ कर रही है कि डॉक्टर्स को मतलब इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 को अमेंड करते हुए डॉक्टर्स को कहा जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही लिखें अपने पर्चे में, और अनब्रांडेड मेडिसिन या फिर जेनरिक मेडिसिन जिनको बोला जाता है तो ये गाइस बिल्कुल सेफ होती हैं और सेम एफिकेसी होती है इसकी। ऐसा नहीं है कि आप ब्रांडेड मेडिसिन खरीदोगे तो जल्दी सही हो जाओगे, जेनरिक खरीदोगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का कंटेंट इक्वल है, दोनों की सब कुछ सही है, बट प्रॉब्लम यह है ब्रांडेड के साथ, क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन को बनाने के लिए या फिर एक न्यू वैरायटी ऑफ मेडिसिन को बनाने के पीछे काफ़ी सालों की रिसर्च होती है। अब काफ़ी सालों की रिसर्च का मतलब आप समझो कि काफ़ी सालों से कोई कंपनी जो होती है जो कि मैन्युफैक्चर करती है दवाइयों को, वो साइंटिस्ट वगैरह को सैलरी दे रही होती है, राइट। और उस पर काफ़ी सारे फेलियर्स होते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं उनमें वो खर्चा करती हैं, एड्स वगैरह में खर्चा करती हैं, और उन सब पूरी ओवरऑल चीज़ों का खर्चा उनको निकालना रहता है, रिकवर करना रहता है, तो इसलिए वो मेडिसिन की कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी हाई रखते हैं। और 20 सालों का पेटेंट होता है, आप जानते होंगे, आप अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा पेटेंट्स के बारे में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये टॉपिक है आपका जनरल स्टडीज़ में, तो उसमें आपको और बेटर तरीके से चीज़ें जो है वो क्लियर होगी, राइट, कि क्यों मेडिसिन चीप होती है और क्यों कैसा। और बाकी मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल स्टैटिस्टिक है ICMR NIMS, इसने पार्टनरशिप करी है पॉल्यूशन काउंसिल के साथ और लॉन्च किया है NDQF को, नेशनल डेटा क्वालिटी फोरम को। और ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है, यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट होते हैं, स्टोर किए जाते हैं डेटा, डेटा का उपयोग जो किया जाता है, राइट, तो उसमें प्रोटोकॉल्स और गुड प्रैक्टिसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए ये NDQF जो है वो लाया जा रहा है, नेशनल डेटा क्वालिटी फोरम, राइट। नेशनल डेटा क्वालिटी फोरम की क्या आवश्यकता है गाइस, क्योंकि इंडिया जो है गाइस उसके पास डेटा का काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है, यानी कि रिच रिसोर्सेज, एज हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, राइट, तो उसमें अलग अलग डेटाज होते हैं हेल्थ स्टेटस को लेकर, डेमोग्राफिक बिहेवियर को लेकर, इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, तो वेरियस डेटाज होते हैं, तो वो डेटा अच्छे से रहे, यानी कि प्रॉपर एक्चुअल डेटा हम लोग को मिले तो, और प्रॉपर उसकी स्टैटिस्टिक्स हो, तो उसके लिए ये NDQF जो है वो लाई जा रही है, तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब नासा का एक पंच मिशन है गाइस, पंच मिशन नासा का हम लोग को देखने को मिलता है, पंच का फुल फॉर्म है पोलारी मीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर। ईजी तरीके से याद रखना कि ये नासा का पंच मिशन जो है ये सन की रिसर्च करने के लिए बनाया गया है, ये सन की जो है वो इमेजेस कैप्चर करेगा पंच मिशन,
और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड इंडियन रिसर्चर जो है वो इस पंच मिशन को जो है वो लीड करने वाले हैं, इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज़ में देखने को मिला था। सोलार विंड जो होती है उसको स्टडी करेगा, सन के आउटर सरफेस को स्टडी करेगा, राइट, इंटर प्लानिटरी स्पेस कैसी होती है उसको देखेगा, उसको स्टडी करेगा, एक 3D फील्ड इमेजिंग मैप जो है वो डेवलप करेगा सन का, राइट, और इसमें 4 माइक्रो सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है ये सन की स्टडी करने के लिए। और दूसरे मिशन भी हैं गाइस सन की स्टडी करने के लिए नासा के, जैसे कि नासा का पार्कर सोलार प्रोब जिसके बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है सोलार ऑर्बिटर नाम का, जिसको 2020 में लॉन्च किया जाएगा और सन के एटमॉस्फेयर को जो है वो स्टडी किया जाएगा, राइट। तो ये पंच मिशन जो है वो सन को स्टडी करने के लिए बताया जा रहा है और इसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में, एक्सपेक्टेड डेट है ये लॉन्च करने वाली। अब देखिए स्पेक्टर आरजी के बारे में यहां पर बात हो रही है, रशिया जर्मनी ने मिलकर एक रिसेंटली एक स्पेक्टर आरजी को जो है वो लॉन्च किया है। स्पेक्टर आरजी का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रम रोंटजेन गामा मिशन, स्पेक्टर आरजी के नाम से ये जाना जा रहा है, जॉइंट प्रोजेक्ट है रशिया और जर्मनी का। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोस्कोमोस और जर्मनी स्पेस एजेंसी DLR के नाम से जानी जाती है। तो ये दोनों मिलकर इस स्पेक्टर आरजी मिशन को जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और ये स्पेसक्राफ्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि 1,00,000 गैलेक्सी के क्लस्टर को जो है वो डिटेक्ट करेगा, 3 मिलियन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करेगा, टेंस ऑफ थाउजेंड्स स्टार जो बनते हैं गैलेक्सीज वगैरह में उनको स्टडी करेगा, डिटेक्ट करेगा, और जो प्लाज्मा होते हैं और भी कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह, तो उनको भी ये स्टडी करेगा और डार्क मैटर डार्क एनर्जी जैसी फील्ड में भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट करेगा स्पेक्टर आरजी। अब नेक्स्ट पिलर आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 29 जुलाई को। ये वाली चीज आप याद रखिएगा, हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और इसको ग्लोबल टाइगर डे भी बोला जाता है। इस दिन टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर प्रोटेक्शन और उसके उनके जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं टाइगर के, जहां पर ये रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने की यहां पर बात की जाती है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि प्रोटेक्ट किया जाए टाइगर को और टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और इस साल का स्लोगन हम लोग को देखने को मिलता है, देयर सर्वाइवल इज अवर हैंड्स। अब इंटरनेशनल टाइगर डे की थोड़ी हिस्ट्री समझ लो आप, तो देखो एक टाइगर समिट हम लोग को देखने को मिली थी, सेंट पीटरबर्ग बर्ग टाइगर समिट के नाम से ये जानी जाती है, रशिया में हुई थी 2010 में। इसी समय ये डिसाइड किया गया था कि 29 जुलाई को एज अ टाइगर डे की तरह जो है वो या फिर इंटरनेशनल टाइगर डे की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा। टारगेट रखा है कि 2020 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है और टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों होती जा रही है, उसका रीजन सबसे बड़ा है पोचिंग और इलीगल ट्रेड, जो शिकार किए जाते हैं टाइगर्स वगैरह के लिए, उनकी जो स्किन होती है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिमांड है, इसके चलते कई सारे जो ऐसे लोग हैं गाइस जो टाइगर को जो है वो मारते हैं, उसका शिकार करते हैं, और इसके अलावा इनका हैबिटेट लॉस भी हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के चलते भी हम लोग देख रहे हैं गाइस कि इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इनकी जो संख्या है वो भी कम होती जा रही है। और इवन रिसेंटली एक स्टडी के थ्रू ये भी पता लगा था कि टाइगर जो है गाइस वो आज की रेट में हायर एल्टीट्यूड पे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि उनका हैबिटेशन हम लोग को हायर एल्टीट्यूड ऊंचाई पे देखने को मिल रहा है। ऊंचाई पे देखने की वजह क्या मतलब यानी कि ऊंचाई पे क्यों जा रहे हैं टाइगर्स, उसकी वजह ये है गाइस कि देखो टाइगर को जो है वो ट्रॉपिकल एरिया पे उनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उनको थोड़ी सी तो ठंडक चाहिए रहने के लिए जीने के लिए, और आज की डेट में टेम्परेचर लेवल इतना ज़्यादा राइज होता जा रहा है कि वो अपने हिसाब से हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट, जिससे कि उनको थोड़ा ठंडक जो है वो मिल सके, क्योंकि ऑलरेडी आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के चलते कितना नुकसान जो है वो आप लोग देख ही रहे हैं होता जा रहा है, इसके चलते इनका हैबिटेट जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लोगों ने फॉरेस्ट एरियाज को काट काट कर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए, यानी कि जंगलों को काट कर टाइगर का जो घर है उसको छीन लिया, राइट, और खुद अपने घर जो है वो एस्टैब्लिश कर लिए, इसलिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती, एलोकेट की जाती टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स वगैरह के लिए, तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसके चलते टाइगर्स की संख्या जो है वो खत्म होती आ रही है, यानी कि डिक्लाइन होती आ रही है, और टारगेट यही है कि टाइगर की पॉपुलेशन को 2020 तक जो है वो डबल करना है। और फोर्थ साइकिल हम लोग को ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन का देखने को मिला था, एक सेंसस रिपोर्ट है टाइगर की, इस रिपोर्ट का नाम है जो कि इंडिया में ग्लोबल टाइगर डे वाले दिन ही रिलीज हुई है, और इस रिपोर्ट का नाम है द टाइगर एस्टीमेशन रिपोर्ट 2018। दोस्तों अभी एट प्रेजेंट टाइगर के नंबर्स कितने हैं हमारे इंडिया में, तो 2967 टाइगर्स हैं ऑल ओवर टोटल, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है 526, फिर कर्नाटका 524, फिर उत्तराखंड 442, और 5 सालों में टाइगर्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आए हमारे इंडिया में, यानी कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट रहा। 2006 की अगर सेंसस की बात करें, 2006 में 1411 टाइगर थे हमारे पास, फिर 2010 में 1706 हुए, फिर 2014 में 2226 और अब 2967 टाइगर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में है पेच टाइगर रिजर्व, देखो यहाँ पर
टाइगर रिजर्व के नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आ सकता है कि ये टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ से कहाँ पर है सिचुएटेड। तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हम लोग को दिखाई देते हैं। फिर तमिलनाडु में फिर जो जिस टाइगर रिजर्व का नाम है वो है सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है 2014 के बाद, यानी कि टाइगर्स के नंबर्स में। और छत्तीसगढ़ और मिजोरम, यहाँ पर गाइस टाइगर्स के नंबर की क्वांटिटी जो है वो कम हुई, यानी कि इन दो स्टेट्स में टाइगर्स के नंबर जो है वो कम हुए हैं। और टाइगर के नंबर जो ओडिशा जो है वहाँ पर कांस्टेंट हम लोग को देखने को मिले हैं, यानी कि पिछले साल के मुकाबले उतने ही हैं, ना बढ़े हैं ना घटे हैं एज सच। और इसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उन्होंने लॉन्च किया था एम स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इन इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए कि फॉरेस्ट गार्ड जो है वो टाइगर को मॉनिटर कर सकें इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप के थ्रू, राइट। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, एम स्ट्राइप्स हम लोग को देखने को मिलती है। अब ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट की बात करें, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 12 बीचेस जो है इंडिया के उसको सेलेक्ट किया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है क्लीन बीचेस को और एनवायरमेंटल हेल्थी बीच जो होते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। अब इसमें बीचेस कौन से हैं, तो ये बीचेस के नाम याद रखिए, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, जैसे कि शिवराजपुर बीच गुजरात में है, भोगावे महाराष्ट्र में, गोगला दमन एंड दीव में हम लोग को देखने को मिलता है, मिरामर गोवा में, कसरकोड और पाडुबिरी बिडबिद्री ये कर्नाटका में है, कप्पड़ केरला में, ईडन पुडुचेरी में, महाबलीपुरम तमिलनाडु, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ओडिशा, राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट। तो ये कुछ 12 बीचेस हैं जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में टोटल 33 क्राइटेरिया होते हैं जिसको अगर इन बीचेस ने फुलफिल कर दिया तभी इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो दिया जाता है, राइट। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में जैसे कि बीचेस में सभी टूरिस्ट वगैरह के लिए प्रॉपर चीज़ें हैं अवेलेबल, क्लीन बीच होनी चाहिए, डिसेबल्ड फ्रेंडली बीच होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर वेस्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, रिसाइकलेबल फैसिलिटी होनी चाहिए, तो इस प्रकार के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको देखकर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखो गाइस आसाम में जो अभी फ्लड आई थी तो उसको देखते हुए, और इवन इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी समय से जो है वो फ्लड आती जा रही है, जैसे कुछ समय पहले उत्तराखंड में देखने को मिली थी, केरला में, कर्नाटका में, राइट, और आसाम में, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, बिहार में, इवन मुंबई ऑल्सो। तो हम लोग को जो ये फ्लड देखने को मिल रही है हर साल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। तो इसको ख़त्म करने के लिए या फिर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज जिसमें चाइना, रशिया, फ्रांस भी इंक्लूडेड है, इन्होंने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है। और ये कोलैबोरेशन के थ्रू जो इंटरनेशनल चार्टर है स्पेस एंड मेजर डिजास्टर का, उसके थ्रू सैटेलाइट इमेजेस जो है वो शेयर किए जाएंगे इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के साथ, जिससे कि ये कंट्री भी मिलकर जो डिजास्टर जो है वो उसको रोकने में काम कर सकें, हेल्प कर सकें, राइट। और इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर जो है इसके 32 मेंबर कंट्रीज हैं गाइज, और ये आपस में मिलकर जो है वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं रिक्वेस्ट के ऊपर, राइट, कि एक कंट्री रिक्वेस्ट करती है उसके बिहाफ में डेटा जो है वो शेयर किए जाते हैं, सैटेलाइट इमेजेस वगैरह शेयर की जाती है, जिससे कि जो डिजास्टर की साइट है उस पर मॉनिटरिंग की जा सके और बेटर मेजर्स जो है वो कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो प्रोवाइड करा सकें और एक दूसरी कंट्री को जो है वो हेल्प कर सकें। और इस चार्टर की बात करें तो ये नॉन बाइंडिंग चार्टर है, ये प्रोवाइड कराती है चैरिटेबल और ह्यूमैनिटेरियन री टास्क एक्विजिशन को और ट्रांसमिशन, जो स्पेस सैटेलाइट का डेटा होता है यानी कि जो ट्रांसफर किया जाता है स्पेस सैटेलाइट की इमेजेस वगैरह, डेटा वगैरह, कोई भी जो मेजर डिजास्टर इवेंट होता है उस दौरान। और इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी और फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES जो है उसके द्वारा इनिशिएट किया गया था जब यूनिस्पेस 3 की कॉन्फ्रेंस हम लोग को वियना ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली थी 1999 में, तो उस समय ये किया गया था। और चार्टर जो है वो दोनों नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड्स वगैरह, और मैनमेड डिजास्टर जैसे कि ऑयल स्पिल, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स वगैरह, तो इनको एड्रेस करने के लिए जो है वो काम करती है। और इंडिया ने इस चार्टर को 2001 में जो है वो साइन किया था। देखो 1999 में मीटिंग हुई थी और उसी समय ये चार्टर सामने आया था और उसके बाद 2 सालों के बाद इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था, राइट। अब देखो गाइस कोरल हीव्स जो है उसको रिहैबिलिटेट करने की बात की गई थी। अब नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने बोला था कि मेल्टेड प्लास्टिक रॉक्स या फिर स्लैब्स जो है वो सी बेड्स में जो है वो डाले जाएंगे जहां पर कोरल रीफ जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके। बट इस चीज़ को गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क ने जो है रोक दिया, यानी कि जो मरीन नेशनल पार्क जो है जो कि कोरल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो 2002 से चलाती आ रही है, उसने मना कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया है कि ये जो नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च का जो प्रपोजल है ये खराब है, इससे
फायदा होने की जगह एनवायरनमेंट को उल्टा नुकसान जो है वो हो सकता है। और इससे पहले भी गाइस फ्लोरिडा में कोस्टा रिका के अंदर हम लोग को आर्टिफिशियल रीफ जो है वो देखने को मिली थी कि उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से कि वो ग्रो कर सके, डेवलप हो सके, तो इसके लिए कुछ टायर्स वगैरह जो है वो डाले गए थे पानी में। और ये इनिशियल लेवल पर तो थोड़ा ठीक रहा, बट इन फ्यूचर जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिजास्ट्रस हो गया। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी, इसलिए गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा इनका जो मरीन नेशनल पार्क है उसने रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल को। कोरल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो है गल्फ ऑफ मन्नार का, उसका मरीन नेशनल पार्क है, उसके द्वारा 2002 से जो है ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। और जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार रीजन का कवर किया जा रहा है। इसमें कोरल रीफ्स जो है जो कि ब्लीचिंग जिसमें हम लोग को देखने को मिल रही खराब होती जा रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए जो है वो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट पिलर आता है हमारा सिक्योरिटी का। सागर मैत्री मिशन 2 के बारे में बात हो रही है, तो INS सागर धोनी जो है गाइस ये इनका 2 महीने लंबा सागर मैत्री मिशन 2 जो है वो हम लोग को देखने को मिला था। और सागर मैत्री जो है ये इनिशिएटिव है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, DRDO का, जो कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इस सागर मैत्री मिशन की। और सागर मैत्री मिशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव यह है कि जो पूरा नॉर्थ इंडियन ओशियन है उसका उससे डेटा कलेक्ट किया जाए, फोकस किया जाए अंडमान सी पे और एडजॉइनिंग सीज पे, और इस्टेब्लिश की जाए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज़ की, जो कि 8 इंडियन ओशन रीजन कंट्री हम लोग को देखने को मिलती हैं, जिसमें इंक्लूडेड है इंडिया, ओमान, मालदीव्स और श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार, राइट। और यहाँ पर ओशन रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में जो है वो कोलैबोरेटिव तरीके से जो है ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। और यहाँ पर फोकस किया जाता है सागर की, अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और मैत्री का फुल फॉर्म है मरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो इंडियन ओशन रीजन जो है उसको बेटर बनाने के लिए वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो की जाए आपस में कंट्रीज के साथ। और इंडियन ओशन रीजन के पास जो कैपेबिलिटी है, यानी कि ऑलरेडी आप जानते हो कि IOR जो है इंडियन ओशन रीजन जो है वो कैपेबल है, वहाँ पर काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इवन वहाँ पर इंडियन ओशन रीजन में जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेड भी होता है और वहाँ से कई सारे ऐसे इलीगल शिप्स वगैरह जो है वो निकलते हैं, तो उसको भी ट्रैक किया जाए और इंडियन ओशन रीजन को प्रोटेक्ट किया जाए प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट करते हुए, और यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो की जा सके ओशन रिसर्च के ऊपर। इवन जो नॉर्थ एरिया है इंडियन ओशन रीजन का उसके लिए ये स्पेसिफिकली जो है वो काम करती है, राइट। तो याद रखिएगा सागर मैत्री मिशन 2 अभी हम लोग को रिसेंटली जो है वो देखने को मिला है। कई इस बात हो रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में, तो लोकसभा ने इस पर्टिकुलर बिल को पास करा दिया है। इसमें स्पेशल पावर दी जा रही है NIA के ऑफिसर्स को, और एक स्पेशल कोर्ट जो है वो सेटअप करने की बात की जा रही है NIA के लिए। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 को जो अमेंड किया जा रहा है, जिसमें फोकस किया जा रहा है कि NIA की पावर्स को बढ़ाने के लिए। इसमें कई सारे NIA को जो है वो पावर दी जा रही है कई सारे कानून के तहत, जैसे कि इसमें एक चीज़ ये बताई जा रही है कि जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, इस कानून के थ्रू पुलिस ऑफिशियल्स को पहले जो है वो पावर दी जाती थी इन्वेस्टिगेट करने की, अब यहाँ पर NIA के ऑफिशियल्स भी इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे ऑफेंसेज में, यानी कि जो भी घटना घटती है उसमें अब NIA के ऑफिशियल्स भी जाकर इन्वेस्टिगेशन अपनी कर सकेंगे। और इवन NIA के ऑफिशियल्स जो होंगे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, साइबर टेररिज्म और टेररिज्म के मामलों में भी इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि और स्पेशल कोर्ट्स वगैरह भी जो है वो लाने की बात की जा रही है NIA के लिए, और यानी कि जो NIA के अंडर जो कानून होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कोर्ट्स वगैरह में पुलिस जो है वो जाकर शामिल खड़ी होती है, राइट, यानी कि चार्जशीट वगैरह पेश करती है, तो उसी प्रकार से NIA के परव्यू के अंडर भी हम लोग को ऐसे स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स भी जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसको एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल किया जा रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो पावर दी जा रही है कि ये जो सेशन कोर्ट्स जो होते हैं उनको स्पेशल कोर्ट्स में डेजिग्नेट जो है वो कर सकेंगे कुछ ट्रायल्स वगैरह के लिए। तो ये थी पूरी NIA से रिलेटेड ओवरऑल थिंग गाइस, और बस इतने ही थे आज के हमारे ट्यूटोरियल, और इसी के साथ हमारा जुलाई 2019 का मंथली करंट अफेयर्स जो है वो फिनिश हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।